गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? हाँ भाई, कभी कभार होता है ऐसा कि इंसान ज़्यादा फ्रेश फील करता है, मगर उसको फ्रेश अपने आप को फील कराने के लिए अपने टाइमिंग्स के जो रूटीन बने होते हैं उसमें से थोड़ा सा निकलना पड़ता है। जैसे आपके मियाँ सुबह 9 बजे ऑफिस जाते हैं, आपके बच्चे सुबह 8 बजे उनको पहुंचना होता है स्कूल, आप सुबह 6 बजे या 5:30 बजे उठकर उनका नाश्ता, लंच, उनकी चीज़ें तैयार करती हैं, आज क्या पकाना है, आपके रूटीन, घर के कौन कौन से काम करने हैं, क्या चीज़ें आज जो ख़रीदारी करने जानी है, आज बाहर निकलना है तो क्यों निकलना है, बच्चों की फ़ीस जमा कराना, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आपके रोज़मर्रा के काम होते हैं और आप इम्यून हो जाते हैं उसको करते करते, और कभी कभार आपको लाइफ एक बोरिंग सा साइकिल लगने लगती है, यार सुबह उठो फिर जाओ फिर ये करो फिर वो करो। सो बीच में ब्रेक जिंदगी में देना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ब्रेक आप छुट्टी लेके दें, चाहे वो ब्रेक आप अपनी अम्मी के घर चली जाएं कुछ दिन के लिए, चाहे वो ब्रेक आप किसी और शहर चले जाएं, किसी और मुल्क चले जाएं, आपको अपने रूटीन लाइफ से ब्रेक देने का मकसद ज़िंदगी का ये है कि दोबारा रिचार्ज हो के वापस आ सके काम पर, जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। सो ये ब्रेक्स हर किसी को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर देने चाहिए, वरना वो बहुत उसके काम की क्वालिटी जो है वो बहुत मैटर करती है। जैसे कि अगर आप घर के सारे कामों को संभाली होती है, मुझे पता है जब आप घर बंद करके कहीं जाते हैं या निकलते हैं और जब आते हैं तो एक प्रेशर काम का पड़ता है, मगर वो जो एनर्जी का डोज आप साथ लेकर आए हुए होते हैं ना, कि फॉर एग्जांपल जैसे अब जून जुलाई आ रहा है और रमज़ान आने वाला है, रमज़ान से पहले तो खैर तैयारी अलग होती है, लेकिन रमज़ान के बाद ख़ास तौर पर जब जून जुलाई आएगा तो उसमें कहीं ना कहीं जिसकी जो जेब है उस वक्त थोड़ा सा एक छुट्टी का टाइम जो है वो सोचा होता है, अच्छा या तो फार्म हाउस जाना है पिकनिक पे, या समंदर जाना है, या अप एरियाज जो है नॉर्थ की एरियाज है पाकिस्तान के, इतने हसीन और खूबसूरत है, या वहाँ जाना है। सो ये कुछ ना कुछ प्लानिंग ज़िंदगी में होनी चाहिए। कोई शादी आ रही है उसकी तैयारी भी छुट्टी से कम नहीं होती, वो भी आपकी ज़िंदगी में एक चेंज लाता है, थकन भी हो जाती है मगर फिर भी वो एनर्जी जो मिलती है ना अपने रूटीन को थोड़ा सा फुल स्टॉप लगाने से, वो बड़ी कमाल की होती है, बड़ी काम की होती है। और इसीलिए ज़िंदगी में चेंज लाना बहुत ज़रूरी होता है। कभी घर की सेटिंग चेंज कर देना, कभी हस्बैंड अक्सर नौकरी चेंज कर लेते हैं, कभी आप लोग शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ रह रहे होते हैं। सो जब कभी कभार चेंज आपके लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन कभी कभार चेंज आपके लिए बुरा भी होता है। अम्मा के घर से निकलकर ससुराल में चले गए, एक एलिवेट हो जाती है ज़िंदगी। सो चेंजेस, स्कूल का चेंज हो जाना, ट्यूशन सेंटर का चेंज हो जाना, मतलब चेंजेस ज़िंदगी में हैं ज़रूरी। और कुछ लोग इसको बहुत अच्छे से हज़म करते हैं, कुछ लोगों को ये चीज़ सूट नहीं करती, फ़ौरन तो बिल्कुल भी सूट नहीं करती। हम भी कुछ चेंज लाएंगे रमज़ान में। आप हमें हमेशा सुबह देखते हैं, मॉर्निंग शो की एक आदत सी आपको हो गई, जिनको आदत है सुबह हमारे शो को देखने की, जिसका मुझे अंदाज़ा होता है जब मैं अपने होल से, होल कहते हैं ना, होल से बाहर निकलती हूँ, यानी अभी मैं थोड़े दिन के लिए UK गई थी, सो वहाँ जिस तरह मुझे पाकिस्तानी मिले वो इम्यून हैं, उनको एक आदत है मुझे सुबह देखने की वहाँ पर। सो वो एक बड़ा वॉर्म्थ थी जो मुझे वहाँ से मिली कि UK में इतने पाकिस्तानी और साथ इंडियंस भी हमारा शो देखते हैं। सो सुबह जिनको आदत है वो तो सुबह रिपीट में देखेंगे ही, लेकिन रात में हमारे लाइव शो इंशाल्लाह आप रमज़ान में देख सकेंगे। शाने सहूर के नाम से पिछले साल भी हमने किया था, आप लोगों ने बहुत उसको एडमायर किया, पसंद किया, और आपकी पसंदीदगी को मद्देनज़र रखते हुए इस साल भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे कि रात में आप लाइव हमें देख पाएंगे। और अगर आपको आदत है सुबह भी मुझे देखने की और मेरे TV पे मेरी शक्ल देखने के बाद अपने दिन का आगाज़ करने की, अगर आपका दिन अच्छा गुजरता है तो आप सुबह भी उसको रिपीट में देख सकते हैं हमारे मॉर्निंग शो के टाइमिंग पर। हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, ऐसे गेस्ट जो आप रेगुलरली सुबह उठने वाले गेस्ट नहीं होते या बिज़ी होते हैं, उनको टाइम मिल जाता है, मौका मिल जाता है हमारे पास आने का, पूरा सेट चेंज होगा। सो हमारी ज़िंदगी में हमारे शो पे भी बहुत चेंज आने वाला है, टाइमिंग का चेंज,
सेट की चेंजेस, सेलिब्रिटीज़ की चेंजेस, ये सब चीज़ें, कंटेंट भी चेंज आप देखेंगे. तो हम कोशिश करते हैं कि ईद के प्रोग्राम्स में थोड़ा चेंज दें, रमज़ान के शोज़ में चेंज दें, जिस तरह चेंज मारने की कोशिश करते हैं. अच्छा, हम अपने कंटेंट में भी चेंज मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप हर वक्त इसी बारे में सोच रहे होते हैं ना, कैसे आपको एंटरटेनमेंट से भरपूर कंटेंट फराहम करें जिसमें इंफॉर्मेशन भी हो और मज़ा भी हो. अगर मुझे शो करके मज़ा नहीं आता ना, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ कि मेरे दिन में कुछ कमी सी रह गई है. उसी तरह आपको भी शो देखकर अगर मज़ा नहीं आता होगा, तो मुझे पता है कि आपका दिन अच्छा नहीं गुजरता. तो वो एनर्जी जो मुझे आपको देनी होती है, वो दिल से होती है. वो वाइब्स जो मैं आपको सुबह सुबह देती हूँ, वो दिल से होती हैं. क्योंकि अगर दिल से शो ना किया जाए ना सीरियसली, तो फिर इतना लंबा नहीं खींच सकते इस शो को. सो ये आज रात 9 बजे से भी कुछ चेंज आने वाला है ARY की स्क्रीन्स पर. मंडे टू थर्सडे आप एक नया ड्रामा देखना शुरू करेंगे जिसका नाम है एक सितम और बड़ी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट के साथ ये ड्रामा आप तक पहुंचेगा. आपने देखना है. और अब आपका वो एक चेंज आ गया है हमारे टीवी स्क्रीन्स पे कि रोज़ ड्रामे चल रहे होते हैं और रोज़ तसलसल से आप उसे देख रहे होते हैं. सो एक आपके दिल को सुकून होता है कि अच्छा, अब मुझे कल पता चलेगा अब क्या इवेंट है. सो एक छोटे से ब्रेक के बाद एक सितम और. मैं कभी आप पे सितम कर सकती हूँ भाई? एक सितम और के ड्रामे की कास्ट आपके सामने होगी. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ARY का चेहरा बन गए, जैसे कि आदाब अर्ज़ है. मुझे आप किसी और स्क्रीन पे देखेंगे, मतलब मुझे छोटे बच्चे ARY के नाम से जानते, वो निदा के नाम से नहीं जानते, वो ARY आ रही हैं जी. सो जैसे मेरा एक चेहरा है आपको रोज़ नज़र आता है ARY पर, उसी तरह इस ड्रामे के जो हीरो हैं वो ARY ने अडॉप्ट तो नहीं कर लिया उनको कहीं, क्योंकि एक ड्रामा ख़त्म होता है उनका दूसरा ड्रामा शुरू होता है. क्या कहानी है ज़रा, आते हैं तो मैं पूछती हूँ. एक छोटे से ब्रेक के बाद एक सितम और आज रात 9 बजे ARY पे देखेंगे डेली थर्सडे तक, मंडे टू थर्सडे. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. ब्रेक के बाद लेट्स हैव अ चेंज. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. और अब जिस एक्ट्रेस से मैं आपकी मुलाकात करा रही हूँ, जिनको आप रात 9 बजे से ऑन एयर देखेंगे भाई, मंडे से थर्सडे ARY के स्क्रीन्स पर, ARY डिजिटल की स्क्रीन्स पर. वो वैसे सबके लिए तो अनमोल हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही अनमोल है, क्योंकि वैसे मैं उनको आम दूसरे शोज़ पे बुलाती हूँ तो उनको टाइम नहीं मिलता, लेकिन प्रमोशनल शोज़ की वजह से हमारी मुलाकात होती रहती है. ARY पे ही वो आपको, आई थिंक सो, क्योंकि मेरे पास प्रमोशन के लिए आती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ARY के काफ़ी ड्रामों में आप उन्हें देख चुके हैं. सिलेक्टेड काम करती हैं, बड़ा अच्छा बोलती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं. आइए वेलकम करते हैं उनको. पहला ड्रामा उन्होंने जो शुरू किया था ना, वो 2016 में था, कमबख्त तन्नो. फिर उसके बाद आपने एक लड़की आम सी में देखा, दीवारे शब में देखा, हकीकत, बिसात, ख्वाब नगर की शहजादी, और अब आप उन्हें देखेंगे एक सितम और में. और अभी आप उन्हें गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में देखेंगे. तो वेलकम करते हैं अनमोल बलोच. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं? बिल्कुल ठीक. बड़ी अच्छी लगती है. थैंक यू. और सुनाए. बिल्कुल. अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या अनमोल बलोच जो है वो उनका कोई मतलब यासिर नवाज बलोच से कोई खानदान की, क्या सबका सरनेम्स है? तो एक जैसे मैंने कहा ऐसा कुछ ही नहीं है. कैसी हो? बिल्कुल ठीक. आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल, मैंने सही बोला ना, तुम ARY के ड्रामों ज्यादा आती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इनका स्क्रिप्ट कॉन्टेंट और ज्यादा अच्छा होता है, और फिर निदा के शो पे आने का मौका भी मिलता है. मैं वही कह रही थी, अनमोल हमारे लिए वाकई अनमोल है, कि हमारी मुलाकात प्रमोशनल शोज में ही ज्यादा. हाँ, उसके अलावा नहीं होती है ना, क्योंकि आप मुझे कहीं बुलाती नहीं. जी नहीं, हम आपको बहुत बुलाते हैं, ये झूठ है, हम बहुत बुलाते हैं. ईद के शोज पे भी बुलाते हैं कि यार ईद पे तेरी सारी बातें तो आपने मुझसे कर ली. ये सीक्रेट है ना, ये रख ले. आओ बैठो, प्लीज बैठो. हाँ, तुम्हारे व्हाइट कपड़े तो जरा ब्लू सोफे पे बैठो तो अच्छा. हाँ अच्छा, वैसे जो एक सितम और के जो प्रोमोज हैं उनसे, टीजर्स से सब अंदाजा ये हो रहा है कि तुम बड़ी एक कॉन्फिडेंट लड़की बनी हो इस ड्रामे में. ऐसा है भी और ऐसा नहीं भी है, क्योंकि हमें प्रोमोज देख के अंदाजा हो रहा है कि
अनमोल जो है बड़ी एक कॉन्फिडेंट लड़की है, तो क्या एक्चुअल जिंदगी में भी तुम हो कॉन्फिडेंट? हाँ, एक्चुअल जिंदगी में मैं हूँ, ड्रामे की तरह कहीं हूँ भी और कहीं नहीं भी। हाँ, मैं बहुत शाय टाइप लड़की हूँ। वैसे तुम नॉर्मली शाय हो? मैं बहुत शाय हूँ। हाँ, और इसीलिए मैं थोड़ा आती जाती भी कम ही हूँ, मतलब इतनी सोशलाइज नहीं करती, मुझे तुम कम नजर आती हो। वरना तो जब आप ड्रामो में काम करते हैं आपकी दोस्तियां भी हो जाती हैं, शादी हो रही है, किसी की बर्थडे हो रही है, सो वो तो आप जा रहे हैं अपनी फैमिली से ज्यादा, तो आप कलीग्स के साथ ही रह रहे हो। मेरी फैमिली के साथ मेरी ज्यादा बॉन्डिंग है, मुझे घर में मजा आता है। और इंसान रोज मेकअप काम ये कर करके भी तो कभी कभार थक जाता है ना, मुझे लगता है आपकी स्किन को आपकी बॉडी को भी ब्रेक की नीड होती है ना, तो जब ब्रेक मिलता है गलती से तो फिर मैं कहती हूँ ये घर पे ही टाइम स्पेंड करो। तुम्हारे तेल चुपड़ा हुआ होता होगा। हाँ, बिल्कुल, ऐसा तेल, फेस पैक, सब दरवाजा खोले और डर जाए। तीन कपड़ों के रंग, तीन रंग के रंग कपड़े, के कपड़े, पैंट, ट्राउजर और शर्ट और बिल्कुल ऐसा वो वाला रिलैक्सेशन। आई डोंट नो उस चीज से कितनी थकान उतरती है। वैसे मुझे लगता है आप कुछ भी कर लें, कहीं भी चले जाएं, लेकिन जो आप घर में एक घंटा आपने गुजारा है ना, मुझे लगता है वो आपके सारे दिन की थकान दूर कर। तुम खुद को रिलैक्स करने के लिए क्या करती हो? कुछ ज्यादा नहीं, मैं बस अपने रूम में रहती हूँ और मेरी कैट्स हैं। मोबाइल पे लगी रहती हूँ? मोबाइल पे मैं कोशिश करती हूँ कि मोबाइल को दूर रख दूँ, अवॉइड करती हूँ, क्योंकि शूट पे भी होती हूँ तो मोबाइल में होती हूँ, घर में भी ज्यादातर। अब तो बीमारी हो गई है ना कि हर वक्त स्क्रॉल कर। तो तुम अपने आप को रिलैक्स करने के लिए अपनी बिल्लियों से खेलती हो? बिल्लियों से खेलती हूँ, टीवी पे कुछ देख लेती हूँ, घर वालों से बातें कर लेती हूँ और कुछ कुक कर लेती हूँ। कभी होता है घर वालों के ऊपर तरस आ जाए कि अगर चलो भाई मैं खिलाती हूँ। हाँ, लेकिन उन्हें कभी पसंद नहीं आता। नहीं आता? तो अम्मी अच्छा बनाती है खाना? अम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, मेरी भाभियाँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। कितनी भाभियाँ? माशाल्लाह, दो। ओह, लेकिन मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो सब खाते हैं दिल रखने के लिए, लेकिन बस एक ही नंद हो या और नहीं, भी दो बहन है। दो बहन है, सो वो बारियाँ आती है, दूसरी बहन मैरिड है या अनमैरिड है? नहीं, उसकी बस शादी होने वाली। अभी फिर हमें तस्वीरें नजर आएंगी सोशल मीडिया, अभी सारा की बहन की शादी हो। सारा की बहन की शादी हुई, इतनी प्रिटी लग रही थी बहुत। अच्छा, मैं समझी नूर है, मुझे भी लगा फोटोकॉपी रिसेम्ब्लेंस है दोनों में, लेकिन मैं दूसरी बहन। दूसरी बहन? हाँ। तो क्या तैयारी की शादी की तुमने? अभी तो कुछ भी नहीं, मुझे शूट से टाइम ही नहीं मिल रहा। हाँ। आजकल तो स्केड्यूल इतना टफ हुआ है कि मुझे अपने लिए भी टाइम नहीं मिल रहा। हाँ। अभी तो कुछ नहीं, बट लेट्स सी। अलग अलग डिजाइनर्स को बोल दें ठक ठक करके, हाँ, भाई मेरी बहन की शादी है, मुझे टाइम नहीं मिला। हाँ। आपको ये मेरा ये सब करना है ना। मैं बुला रही हूँ जी, जो मैंने जैसे कहा कि ऐसा लगता है कि एआरवाई ने अडॉप्ट कर लिया है, माशाल्लाह महीने में कोई तीसरी दूसरी दफ़ा ये मुझे ड्रामों के प्रमोशनल शो की वजह से ही मिल रहे हैं। और भाई यार, भाई मैंने नोट किया, हमेशा उन्हीं को अडॉप्ट करता है, उन्हीं को कास्ट कर रहा होता है जो बहुत प्रोफेशनल होते हैं, जो अच्छे एक्टर्स होते हैं और जो तंग नहीं करते, जो कमिटेड होते हैं, डेट्स में तंग नहीं करते। सो मुझे तारीफ सुनने की ज़रूरत ही नहीं, मुझे पता चल गया जब ये बार बार कास्ट हो रहे हैं अलग अलग ड्रामों में और इनकी रेटिंग भी आती है। हाँ, क्योंकि जो लास्ट इनका ड्रामा था वो कहते हैं ना सर फाड़ रेटिंग आई उस ड्रामे की, माशाल्लाह। सो उम्मीद करते हैं कि इस ड्रामे की भी अच्छी रेटिंग आएगी। अगर मैं फिर बता रही हूँ कि इन्होंने डेब्यू अपना जो किया आदि गवाही से, पहले भी बता चुकी हूँ, फिर बताऊँगी ताकि आप लोगों को रट जाए। 2017 में इन्होंने आदि गवाही से अपना डेब्यू किया, फिर उस्तानी जी में आपने देखा, सांवरी, गलती, उड़ान, चलावा, मेरे अपने, दोबारा, तेरी राह में, और अब आप देखेंगे उन्हें रात 9 बजे से 1 सितंबर में। वेलकम टू उसामा खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है बेटा? अल्लाह का शुक्र है। मैं कह रही हूँ ना, एआरवाई ने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया। तो मैं तो मेरे बेटे हुए ना यहाँ। ये बहुत आते हैं मॉर्निंग शो में। नहीं, मॉर्निंग शो में ऐसे नहीं आता बेचारा, वो ड्रामे की प्रमोशन भाई इतने एआरवाई के आई मीन प्रोजेक्ट करता है। वही मैं कह रही हूँ ना कि एआरवाई ने गोद ले लिया है। जब टीवी लगा उसामा आ रहा है, इत्तफाक की बात है, रोज आ रहा है उसामा। अच्छा, कमर्शियल्स भी है शायद, तो इस वजह से थोड़ा सा उससे जरा ज्यादा फील होता है। जो भी मैं न्यूज़ चैनल भी देखें तो उस पे भी जरा मेरे ख्याल से ज्यादा फील हो रहा होता है। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा। माशाल्लाह उसामा इतना सारा काम ऐसे क्यों कर रहा है, क्या क्वालिटी है उसामा के अंदर, इतना ज्यादा काम, मतलब। अच्छा, वैसे आपको
हाँ ये कह सकते हैं जब आपकी ड्रामे हाँ, रोज चल रहे होते हैं तो फिर लगता है कि ज्यादा काम कर रहे हैं। Exactly. तो अभी तेरी राह में हाँ, वो खत्म हुआ, वो खत्म हुआ है ना, तो फिर अब हम दोबारा एक नए ड्रामे की। अच्छा एक और बात के तेरी राह में जब स्टार्ट हुआ था ये ड्रामा भी तभी स्टार्ट हुआ था। ओ एक साथ दोनों को दोनों हाँ दोनों डेट थी ये ऑन एयर अब हो रहा है एक साथ डेट थी वो भी जुलाई और अगस्त में था ये भी जुलाई और अगस्त में। कैसे किया तुमने दोनों ड्रामे एक साथ? जैसे सब करते हैं मुश्किल होती होगी, मैं तो सोच भी नहीं सकती। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है दो ड्रामे एक साथ ना। अरे तुमने मैनेज कैसे किया? नहीं इतना मुश्किल नहीं है वैसे, तो डेट्स वेट्स इस तरह पहले ही दे देते हैं। हाँ डेट्स तो दो महीने पहले से होती है जैसे अभी भी मई जून। तुम्हें क्यों कास्ट करते हैं, लोग क्या कहते हैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारी ये खासियत है उसामा के इसलिए अच्छे अच्छे एक्टर घर बैठे हैं, बता रही हूँ सच में, अपने एटीट्यूड की वजह से। आपकी क्या शायद मेरे में वो एटीट्यूड ना हो, थोड़ा सा कम हो मेरे में, मतलब आपको किसी की शादी में नहीं जाना होता, आपको किसी की सालगिरह में नहीं जाना होता, आपको छुट्टी नहीं चाहिए होती या कुछ भी? छुट्टी मुझे नहीं चाहिए होती है क्योंकि मैं कहता हूँ एक बड़ा चंक पकड़ के छुट्टी का, फिर मैं पंजाब वापस जाऊँ फैमिली के पास। उसके अलावा हाँ ना मेरा सोशल नेटवर्क है सच, तो शादियाँ पार्टीज जाना ही तो नहीं होता, काम से काम बस। ये शूट के बीच में जाता रहता है, दो दो घंटे का ब्रेक लेकर, इसलिए छुट्टी नहीं। आई डोंट नो वो तो कहीं निकल जाता है, पार्क में जाता हूँ यार, देखें पार्क में लंच ब्रेक है तो मैं जहाँ मर्जी जाऊँ। हाँ ये बात, ये बताओ ना छुट्टी क्यों नहीं लेते लंच ब्रेक में, तुम किसी रेस्टोरेंट वगैरह चले जाते हो? नहीं मैं घर चले जाता हूँ, या फिर घर में कौन है? मैं सो जाता हूँ ना, मेरे लिए सिर्फ एक चीज है सोना। ओहो हेड पे सो जा भाई, क्यों पेट्रोल खर्च करके। लेकिन सुबह बस ये होता है कि जिम करके आ जाए, बस थोड़ा सा ये होता है कि यार 11 बजे बुला लो भाई ताकि बंदा जिम करके आए, जिम करके आ जाए वरना फ्रेश रहता है। सो उसामा एक सितम और में जो ये कैरेक्टर है वो जो पिछला वाला ड्रामा है उसे बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे तुमने सितम किया है कि इसने तुम पे सितम किया? दोनों ने एक दूसरे पे सितम किया। मुझे ये जब मेरे पास स्क्रिप्ट आया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि यार ये बहुत डिफरेंट कैरेक्टर जितने मैंने अभी तक किए। हाँ एक तो स्क्रिप्ट बहुत डिफरेंट है, वो नहीं है कि एक आम स्क्रिप्ट हो, और एक इसकी और मेरी जो केमिस्ट्री है वो बिल्कुल ऐसी है कि वो रोमांटिक नहीं है, वो मुझे तंग करती है। सब बता दो तुम, और मैं इसको है ना कुछ मतलब सब बर्दाश्त बता दो। नहीं नहीं हमारी केमिस्ट्री बहुत डिफरेंट है ना, मैं ये बता रहा हूं भाई, आजकल की ट्रेंड ये है कि आपको थोड़ा बहुत खींचने के लिए ऑडियंस को नहीं, क्योंकि वो एक डिफरेंट स्टोरी होती है। देखिए एक होता है अगर रोमांस होता है, नॉर्मल रोमांस हो गया, तो तुम लोगों का रोमांस नहीं है वो भी होगा, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट रोमांस, ये एक दूसरे से चिढ़ते हैं, एंग्री यंग मैन आपके लिए। ओहो और तुम वी डोंट लाइक ईच अदर? हां हां वी डोंट लाइक ईच अदर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ ऐसा होता है, कुछ सितम ऐसा कर दिया जाता है कि कुछ तुम लोगों को एक साथ रहना पड़ता है, एक छत के नीचे रहना पड़ता है, एक छत के नीचे रहना पड़ता है। ये सितम हुआ दोनों के ऊपर, ये दोनों पे ये ज्यादा हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं बता सकते, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन ये सितम ज्यादा कौन करता है एक दूसरे पे, ये आप आज रात 9 बजे जान पाएंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि ज्यादा आपको रात को टीवी लगाना पड़ेगा, एयर वाई डिजिटल लगा कर आप मंडे से थर्सडे तक देखेंगे, ये 5 दिन में आपको पता चल जाएगा किसका कितना किस क्यूट सा जो सितम है। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मोहब्बत में एहतियात और नफरत में जज्बात पे काबू पाना मुश्किल काम है, मगर जब दिलदार सामने हो तो कातिल दिखाई नहीं देता। कभी मोहब्बत के इस खेल में आप जीत भी जाएं तो हारने वाले की किस्मत पे रश्क आता है। आज से मेरा शौहर, मेरा घर, मेरा बेटा सब तुम्हारे हवाले है। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है सर। मुझे मामा वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई मतलब लाइक जब मैं प्रोमो देखती हूँ ना तो ग्रैंडनेस जो आती है वो हमेशा मुझे इस प्रोडक्शन हाउस सिक्स सिग्मा प्लस
सिक्स सिग्मा प्लस है ना. हाँ मैंने कहा मैं सही अपनी तरफ से, क्योंकि मैंने अंदाजा लगा के प्रोडक्शन क्वालिटी देखकर अंदाजा लगा लिया था कि ये उन्हीं की हो सकती है. और इस ड्रामे का एक और कैरेक्टर जो है जिनसे मैं आपकी अभी मुलाकात करवा रही हूँ, देखते ही देखते बड़ा अच्छा अपना नाम बना गए और बड़े अच्छे दिखते हैं. आवाज़ तो ऐसी आंखें बंद करके ऐसा लगता है जैसे हुमायूं सईद की आवाज़ है. फ़ोन पे अच्छे खासे लोगों को उल्लू बना सकते हैं. आइए जी वेलकम करते हैं इस ड्रामे, इस ड्रामे में क्या नाम है उनका, कुछ याद है? सुफियान. सुफियान इस ड्रामे में, सुफियान जो रात को 9 बजे आप देख सकेंगे 1 सितम्बर. और में सुफियान एज नहीं, सलमान सईद एज सुफियान. वेलकम. एकदम खुशखबरी आ गई. इंटरनेट पे बैठे प्लीज होना वैसे ऐसी चाहिए एकदम से खुशखबरी आए पहले से अनाउंस. तुम्हारी तरफ से ऐसा ही होगा, एक सरप्राइज होना चाहिए. तो कैसा लग रहा है माशाल्लाह? ये क्या, ये इस ड्रामे की रिकॉर्डिंग उस दौरान हो रही थी जब नया नया बेबी इस दुनिया में आए माशाल्लाह? हाँ हो रही थी. आई थिंक सितंबर से हमने शूटिंग स्टार्ट की है. अगस्त से स्टार्ट. हाँ मेरा सितंबर से स्टार्ट हुआ. अच्छा, सो आपको लगता है कि ये ड्रामा हिट होगा तो आपका बच्चा आपके लिए लकी है? हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो होता है. ड्रामे तो आई थिंक सारे हिट हुए हैं, लास्ट जितने भी किए हैं, मेरा दिल मेरा दुश्मन, अमानत है, भड़ास. आप ये कहना चाहते हैं मैं जिस ड्रामे में होता हूँ वो हिट होता है? अमानत? नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है. वैसे सही बात है ये. देखो बिल्कुल ऐसा नहीं, लेकिन बात तो सच. बात तो सच. सलमान प्लस के जिस ड्रामे में सलमान सईद होता है वो ड्रामा हिट होता है. कुछ है कुछ एक लकी है आप, लकी चार्म है मे बी, नजर बट्टू लकी चार्म की रेटिंग है ड्रामे की. क्या नाम रखे बेटी का माशाल्लाह? आयरा. आयरा तो प्यारा नाम है. Yeah, different. It's a Persian name. मैंने actually net पे देखा था. हाँ. सुना नहीं था मैंने इससे पहले. अच्छा. फिर मैंने सोचा कि चलो ये रखते हैं. इसका मतलब भी अच्छा. It's mean respectful. अच्छा नाम किसने रखा, आपने खुद रखा है? मैंने. हाँ बहुत प्यारा. मैंने और लीना ने हम दोनों ही सर्च कर रहे थे नाम. दोनों. So कैसा वो नहीं कंधे थोड़े नहीं हो जाते बच्चे होने के बाद एक जिम्मेदारी आ जाती, कंधे थोड़े से रह जाते तो वो सलमान से नहीं, कंधे तो नहीं रह गए, जिम्मेदारी ज्यादा हो गई जो एक महसूस हुआ. जिम्मेदारी हो गई यार, कभी भी उठा देती है मसला ये. सुबह सुबह उसकी उसकी टाइमिंग है 5 बजे उठाती है. हाँ. फिर 8 बजे तक बड़ी मुश्किल से मुझे सुलाना पड़ता है. हाँ क्योंकि मैं 2 बजे सोता हूँ. हाँ. तो तब तक अलीना संभालती है 5 बजे. अच्छा. फिर उसके बाद बोलती है बस मुझे सोने दें और आपने संभालना है इसको. ओ, तो फिर तो आपकी सुबह आजकल जिम जाने से नहीं हो रही, आयरा को संभालने से हो रही. आयरा को संभालने से हो रही. हाँ. हाँ, बिल्कुल नहीं. अल्लाह सलमान लगता है नहीं है कि ऐसे संभालेगा. हाँ किसी को भी यकीन लाओ वाली बंदा मुझे तो लगता है. किसी को भी यकीन नहीं आ रहा. मैं उसको नहला भी देता हूँ, उसको फीडर भी पिलाता हूँ. यार ये रिकॉर्ड करके भेजो भाई, ये रिकॉर्ड लूप चलाना इसका, बार बार लूप चलाना. और ये किसी को भी नहीं पता अभी तक. हाँ, मैं सब कर लेता हूँ. ये रिकॉर्ड करके उसको सुनाएंगे 10 साल बाद कि ये देखो ये तुम्हारा बाप क्या करता था. नहीं मेरी मतलब ये एक इसका मतलब कुदरती अट्रैक्शन है कि एक हमेशा आपको आपकी वाइफ को थोड़ा होता था कि थोड़े से केयरलेस है. मुझे होता था वो केयरलेस है. अच्छा. हाँ, लेकिन अब वो भी एक्चुअली केयरलेस कह रहे होते. वो भी एक्चुअली बहुत सेट हो गई है. हाँ, वो जिम्मेदारी आप पे आ जाती है तो फिर आपको करना ही पड़ता है. उसमें इतनी अचानक इतनी वो एनर्जी आ जाती है. हाँ, वरना वो भी थोड़ी लेजी थी. अभी कॉलेज ही तो खत्म हुआ था उसका और शादी हो गई. शादी हो गई उसकी और फॉरन बच्चा भी हो गया. अब आपने कहा बेटा अब जिम्मेदारी संभालो तुम. हाँ अब सही है वो. खैर उसको वो जॉब भी कर रही थी. हाँ. उसने 3-4 महीने जॉब भी की है. अच्छा. फिर उसके बाद जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसने छोड़ दी. अच्छा अच्छा. अब वो फुल टाइम फुल फ्लेज हाउसवाइफ अम्मा बन गई. अब मैं शूट पे जाता हूँ ना तो मुझे होता था यार 12 घंटे बाद मैंने आना है, तो वो पूरा दिन ना मैं एक्सपेक्ट करता था कि वो खुशी खुशी मेरा स्वागत करेगी. वो एक्चुअली वो बहुत ज्यादा टायर्ड ही नजर आती थी मुझे हर वक्त कि सुबह से आपका इंतजार कर रही हूँ. हाँ. अब ये ले पकड़े यार मैं सोऊं. वही ना मेरी कोशिश होती थी कि मैं यार 1 घंटा दोस्तों के पास चला जाऊं. हाँ. तो अब ऐसा होता है कि मैं आता हूँ तो वो बस वो बिजी लग रही होती है मुझे.
सब कुछ आता नहीं है, ना माँ को आता है ना बाप को आता। और कहते ना आपके चाहे कितने भी बड़े बुजुर्ग हो या दूसरे हो घर पे, जब आपके खुद को पड़ती है ना सर पे, तभी आप प्रैक्टिकली सीख सकते। कुछ भी होता है तो सबको कॉल्स करके पूछना पड़ता है। खैर अब ये हो गया, अब क्या करें, पेट में दर्द है, रो जा रही है, अब क्यों रो रही है, अब समझ ही नहीं आ रहा क्यों रो रही है। मुझे याद है मेरा पहला बच्चा हुआ था, तो हम जैसे मोबाइल के सायरन नहीं सिग्नल आते हैं इधर से, वो यहाँ चुप हो रहा है या कहाँ चुप हो रहा है, हम उसको ऐसे रखते थे, उसके पेट में क्रैम्स पड़ते थे, कॉलिक पेन्स होते हैं बच्चे को। सो मुझे अच्छे से याद है कि हमने उसको, मैं कहा यासर ये तो मोबाइल के सिग्नल की तरह है, यहाँ सिग्नल आया तो चुप हो गया, यहाँ सुकून मिल रहा है, ऐसी होती चीज़। वो मेरी गोद में आके चुप हो जाती है। माशाल्लाह। सोती भी सुलाना पड़ता है मुझे, फिर उसके बाद आराम से जाके जब लिटाने लगता हूँ ना फिर उठ जाती है। ये तो है। अच्छा अब साथ साथ मतलब एक छोटा बच्चा घर में और साथ रिकॉर्डिंग्स भी हो रही हैं, आपका ड्रामा भी आ रहा है आज रात को 9 बजे, सो ये कैसे मैनेज करें, मुश्किल होता है आदमियों के लिए, खास तौर पर जब बच्चा, क्योंकि अगर आपकी बीवी घर पे है तो चले दोपहर सुबह सो जाएंगी, जब वो सोएगी तो सो जाएंगी, आपको तो काम पे जाना है। अगर आप सोचो नहीं ना ऐसा तो कुछ नहीं होता है। मैं 12 घंटे बाद भी जब घर चले जाता हूँ तो मैं ये नहीं सोचता कि मैंने पूरा दिन बहुत मेहनत करके आया हूँ, मैं सोचता ही नहीं उस बारे में कि मैंने काम किया। होती है बच्चे को देखने। हाँ मेरा ऐसा ही है, ये घर जल्दी भागने की करते हैं अब। नहीं सलमान एक चीज और छोड़ रहा है, वो भी करता सलमान बीच में, क्या क्रिकेट। हाँ वो सलमान को 2-3 घंटे मिल जाए ना बीच में, कि आपकी 2 घंटे की ब्रेक है तो मैं तो जाके सो जाऊंगा। हाँ। यार मैं जरा मैच खेल कर आएगा, मैं जल्दी आउट हो जाऊंगा, मैं बारी करके आ जाऊंगा। ये 2 घंटे लगाते हैं, मिलता है गैप तो सो जाता है, ये क्रिकेट खेल रहा। अनमोल क्या करती है उस बीच अगर कोई गैप मिल जाए तो? मुझे गैप मिलता ही नहीं है। तुम क्या मेकअप सही करने बैठ जाती हो? तो मुझे गैप मिलता ही नहीं है। तुम्हारे सीन मिल जाए, गलती से मिल जाए तो मैं घर चली जाती हूँ लंच करने। हाँ, लंच का खाना खा के अम्मी के हाथ का खाना। बड़ा शौक है घर का खाना खाने का। हाँ। जितनी कोशिश होती है मैं घर भागूं। हाँ। लगती तो इतनी धान पान जी तो पतली तो मोह लगती तो नहीं हो कि अम्मी के खाने के शौक में जो है तुम घर जा रही हो? नहीं मैं खाना खाती हूँ। डाइटिंग करती हो? नहीं लगता नहीं है तुम कभी? नहीं लकी है। और आप क्या करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए? डाइटिंग करते हैं बस। डाइट बच्चा खाने के शौकीन पंजाब के लोगों को लगता है बहुत है ना। हाँ अब तो पानी भी लगता है। पानी भी लगता है। हम दोनों सेट पे कहते हैं मैं नहीं खाना जो खाना आता है। जब हम कहते नहीं हमने नहीं, तुम ऑर्डर कर लो हमने नहीं खाना। फिर जब अगला ऑर्डर करते हैं हम कहते खा ही लेते हैं यार। अपना ऑर्डर नहीं करते, अगला ऑर्डर करते खा लेते हैं यार। माशाल्लाह मैंने भी आपको भी देखा है फिट, और मैंने कभी उसामा को भी नहीं देखा कि वजन बढ़ गया। जैसे फैसल कुरैशी है, यूं वजन बढ़ता है यूं वजन कम होता है, वो तो बल्ब है ना, तो स्विच ऑन स्विच ऑफ कभी देखती हूँ। टेंडेंसी होती है, लेकिन आपको पता हो कि आपके है तो आप उस हिसाब से फिर रोक। फैसल भाई बड़ी स्ट्रिक्ट डाइट करते हैं, मतलब फैसल को मैंने देखा है कि अच्छा हाँ वजन बढ़ गया अभी कम हो गया, मशीन की तरह वो अपने आप को कर भी लेते हैं, खा पी लेते हैं, बड़ा भी पता होता है ना हर इंसान को कि कैसे। आप बड़े से बात आईडिया हो जाता है कि यार ये चीजें मुझे लगती है ये चीजें अवॉइड करो ये चीजें। फैसल भाई भी बहुत रेगुलर क्रिकेट खेलता है, जब जब मैं जाता हूँ मेरे साथ होते हैं। होते हैं वो भी भाई, कोई जिन है मतलब। वो सुबह का मॉर्निंग शो करके जाते थे एक्टिंग करने ड्रामों में, मैं तो मुझसे तो कोई गए मैं तो बेहोश हो जाऊं। एक्टिंग नहीं करने कराना मुझे 2 बजे के बाद। मैं 9 बजे के बाद ऑफ होती हूँ। हाँ आप कितने बजे ऑफ होते हैं? सबके टाइमिंग पूछ लो ऑफ होने के। सेट से तो ऑफ 10 बजे हो जाते हैं, लेकिन घर जाके सोते सोते 1-2 बजे फिर 8 बजे उठ जाना होता है 9 बजे तो। और आपका क्या ऑफ टाइम? आप तो 5 बजे ऑन हो जाते हैं। 5 बजे ऑन हो जाते हैं ना, जब भी ऑफ नहीं, मुझे एक मसला है, मैं जाके फौरन सो नहीं सकता। अच्छा। मुझे यहाँ तो दोस्तों में जाना होता है या क्रिकेट खेलना है? यहाँ तो क्रिकेट तो रोज नहीं खेल सकते, यहाँ तो मुझे मूवी देखनी होती है। अच्छा। मैं मूवी देखकर ही सोता हूँ। ये आपकी नींद की गोली है? हाँ, मैं कल भी 4:30 बजे सोया हूँ सुबह। ये एडिक्शन है वैसे, नेटफ्लिक्स की सीरीज या कोई मूवी एडिक्शन है वैसे ही है ना। एक अच्छी कोई, लेकिन मुझे लगता है इस पे आपको अपनी नींद को प्रायोरिटी देनी चाहिए बहुत। जितना हम काम करते हैं चिड़चिड़े हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाते हैं, शक्ल पे आ जाता है। मैंने तो आजकल फोन ऑफ करके सोना शुरू किया है, जहर लग रहा होता है। आजकल मैंने फोन साइलेंट करना शुरू किया, वरना मैंने जिंदगी में कभी नहीं। मैं तो रात 12 बजे के बाद उठाना ही छोड़ देता हूँ, वो एयरप्लेन मोड पे होता है। अच्छा माशाल्लाह मैं आप देख रही हूँ कि इस ड्रामे की कास्ट बड़ी डिफरेंट है। साजिद हसन साहब जो है वो बहुत दिनों बाद आपको ड्रामे में नजर आए हैं। कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, रुबीना अर्शद साजिद के साथ हीरो बने हुए। आहा मारिया वास्ती
क्या बातें हैं उनकी, एनर्जी जो है ना सेट के ऊपर। हमें जिस दिन पता हो साजिद भाई आ रहे हैं, उस दिन हमें पता होता है हमें बोलने की जरूरत नहीं है। साजिद भाई के साथ बहुत काम किया है, जब यहाँ से डायरेक्शन करता था उसके साथ बड़ा इनकी बड़ी अच्छी बनती थी, बहुत काम किया है, बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी एनर्जी जो होती है ना। हमें इनको कहना पड़ता है साजिद भाई चुप कर जाइए यार, सीन हो रहा है, खुदा के लिए यार, पूरे है ना बहुत बड़े, वहाँ जाके बोलेंगे, वहाँ जाके बोलेंगे, लेकिन अच्छी एनर्जी है बहुत। और रुबीना आपा, वो मेरा तो उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, रुबीना आपा बहुत अच्छी है, वो एक माँ होती है सेट की ना, एक सब उनसे कोई मशवरे कर लो या वो सीन से पहले बहुत अच्छा वो बता देती है कि इसको कैसे करना है। बड़ा अच्छा मुझे लगा, साजिद हसन, रुबीना, अशरफ, मारिया वास्ती, उसामा, अनमोल, शहूद अलवी, सलमान, सरहा भी है, सरहा भी है, जवेरिया अब्बासी है, जवेरिया अदनान जिलानी है, जवेरिया अब्बासी है, आयशा गुल है, आयशा गुल है, और क्या नाम है, सारे अच्छे एक्टर्स हैं, फहद फहद भी है, फहद है, मेहरुनिसा इकबाल है, और एक अदनान जाफर का एक बड़ा जबरदस्त कैमियो है। राइटर आप लोगों के ड्रामे की रेहाना आफ्ताब है, डायरेक्टर इलियास कश्मीरी है, उनके साथ मैंने एक्टिंग की है, वो कैमरामैन होते थे उस जमाने में और अब डायरेक्टर बन चुके हैं, तरक्की हो गई। तो और जो अब हमारे जो कैमरामैन है वो है कुद्दूस भाई, अच्छा तो कुद्दूस भाई उनके भाई है, तो ये तीनों शहजाद कश्मीरी कुद्दूस भाई, ये सब खानदान वाले ना, इनके साथ मैंने तब काम किया जब ये कैमरे के पीछे होते थे, सो वो वाली चीज है, मैं इनको अच्छे से जानती हूँ, लेकिन बड़ा अच्छा ये लोग, इन्होंने अब डायरेक्शन में आ गए हैं तो अच्छे काम कर रहे हैं बहुत, इन लोगों का काम आता है। तो थोड़ा सा ये एज हो जाता है कि जो डायरेक्टर पहले डीओपी रहे हो उनको पता होते फ्रेम्स का कुछ ज्यादा। देखिए ना, मैं वही तो कह रही थी, आप लोगों की प्रोडक्शन बहुत ग्रैंड लग रही है और वो एक फिल्मी टच आ रहा है उसके अंदर, उस नदीम बेग बैठे हैं ना सिक सिग्मा, तो जाहिर है ये तो होगा ही। सो आपको ट्रीट मिलेगी एक रात को 9 बजे जब आप देखेंगे एक सितम, और मंडे से थर्सडे तक आप ARY डिजिटल की स्क्रीन्स देखेंगे, इतनी प्यारी स्क्रीन सजी हुई, खूबसूरत लोग उसके ऊपर होंगे, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होगी, मार्वलस डायरेक्शन और स्क्रिप्ट के साथ, आप ज़रूर रोज़ाना 9 बजे भी ARY ही देखेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मोहब्बत में एहतियात और नफरत में जज्बात पे काबू पाना मुश्किल काम है, मगर जब दिलदार सामने हो तो कातिल दिखाई नहीं देता। कभी मोहब्बत के इस खेल में आप जीत भी जाएं तो हारने वाले की किस्मत पे रश्क आता है। आज से मेरा शौहर, मेरा घर, मेरा बेटा, सब तुम्हारे हवाले, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है सर। मुझे मामा, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान है। मतलब मुझे तो लग रहा है प्रोमो से कि शादी साजिद हसन और मारिया वास्ती की कुछ लग रही है, प्रोमो से तो ये लग रहा है, और जरूरी है एक हमारा ट्रायंगल है, एक साजिद भाई का ट्रायंगल है। क्या बात है, क्या बात, जबरदस्त। सो ये एक एक्साइटमेंट है हमें रात को 9 बजे ड्रामा देखने की, एक सितम और आवाज गई, एक सितम और रात 9 बजे आप देख सकेंगे ARY डिजिटल पे मंडे टू थर्सडे। सो एक ये प्रोमो देख के ना एक हो रहा है कि आप अच्छा देखें क्या होती है, कि मतलब लाइक शादी की उम्र इनकी है, उनकी शादी हो रही है, क्या चक्कर है, मतलब ये देखना है सितम क्या स्टोरी डिफरेंट है स्टोरी। हाँ, ये मैं पहले से बता रहा हूँ कि स्टोरी डिफरेंट है, ये वो नहीं है जो एक एक लड़का एक लड़की एक उससे। कोरोना में लोग डिफरेंट स्टोरीज के इम्यून हो गए क्योंकि इतना उन्होंने नेटफ्लिक्स और ये सब देखा है, अलग अलग उनको टॉपिक्स चाहिए, और सीन्स भी बड़े अच्छे लिखे हैं इन्होंने, जो राइटर हैं रेहाना अफ्ताब, रेहाना अफ्ताब, इन्होंने सीन्स अच्छे लिखे हैं। हाँ। सारे सबकी अच्छी परफॉर्मेंस, प्रोमो बड़ा मजे का लग रहा है, उससे एक इंगेज कर रहा है। इसके अलावा एक और प्रोमो है उसमें वो भी बहुत मजे का है, वो उसमें वो थोड़ा सा हमारा शरारती वाला वो चीज है। अच्छा
कि वह आपको हर चीज मिलेगी, ड्रामा है पूरा, हाँ है ना। और फिर हमारा ये सलमान के साथ भी एक है, उसमें हमारा फड्डा है क्योंकि अच्छा। एक ट्रायंगल सा यहाँ पे भी है। ओहो अच्छा, ये भी है। हाँ। अच्छा अगर मैं तुम लोगों से पूछूं जो तुम्हारे ड्रामे का नाम है एक सितम और, अगर तुम, मैं अक्सर होता है कि बच्चे कहते हैं आपने हमारे साथ बड़ा जुल्म किया है, सितम और जुल्म ये ना माँ बाप को कहते हैं, हाँ आपने हमारे साथ बड़ा जुल्म किया है, फलाना किया है ये मुझ। सो अगर मैं तुमसे पूछूँ तुम अपनी अम्मी अब्बू को कभी कहते हो आपने बड़ा सितम किया है मुझ पर, यानी कि लाइक पढ़ाई में ज़्यादा रखा या कुछ ऐसा कोई भी चीज़, किसी चीज़ से पाबंदी लगाई, टोका है, मैं तीनों से ये सवाल करूँगी जिंदगी में तुम्हारे ऊपर क्या सितम हुआ तो फिर मैं देता हूं। या तुमने क्या सितम किया है किसी के साथ? अरे नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं छोटा मोटा, हाँ छोटा मोटा भी बता दो, सोच रही हूँ। मैंने अपनी बहन पे बड़ा सितम किया, उसको कपड़े नहीं अपने शेयर करने देती, किसी का भी बता दो, अम्मी अबू का लाजमी नहीं, मैं मुझ पे नहीं हुआ है, अब मैंने शायद दूसरों पे किया, मेरी हटा दो और हमें नहीं किया। तो मैं छोटी थी ना तो वो सारी डांट उसको पड़ती थी, मेरी सारी गलतियां माफ होती थी, सब कुछ तो वो इनडायरेक्टली उस पे सितम हो गया, उस पे सितम हुआ है मुझ पे नहीं, और घर के सारे काम भी उससे करवाए जाते हैं, ये भी बहुत बड़ा सितम है, और मैं बच जाती, बच जाती। तो तुम्हारे ऊपर कोई भी नहीं, नहीं मुझ पे नहीं हुआ, मैं इजी, किसी का होमवर्क करना पड़ा या कोई ऐसी चीज, नहीं 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 शुरू से आपके ऊपर सितम हुआ है या नहीं हुआ? मैंने तो हमेशा कहा है जैसे अम्मी है, अम्मी से कहो अम्मी ये करना है, हाँ ठीक है कर लो, ये करना है ये कर लो, अब्बू कहते थे थोड़ा सा जरा सोचो क्या कर, थोड़ा सा अब्बू सख्ती कर, हाँ। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि यार कुछ तो रोकते हैं, कुछ तो करते कुछते, तो ताकि पाबंदी लगा, कोई पाबंदी लगाते हैं कुछ नाम को, जिंदगी में होता बंदा कहता है कि यार कुछ तो हुआ हमारे साथ, कुछ हुआ ही नहीं, लोग आजकल जिन बच्चों पे होता है वो कहते हैं हमारे माँ बाप ने, ये सीधे होते हैं वो तीर की तरह जिनके ऊपर, तुम भाई तुम भी सीधे इंसान हो, मुझे तारीफें सुनिए मैंने इस बंदे की, सेट पे तंग नहीं करता मुझे, अच्छा है सबका रख रखा हो, मार बहुत पड़ती थी उसको, मैं कहूंगा कि सितम है, फजूल में वो मुझे मारते थे, किसी और ने शिकायत लगा दी, नहीं नहीं मैं बिल्कुल शरारती नहीं था, वो कोई और किसी ने शरारत कर दी लगा दी उसकी भी मार मुझे पड़ गई, हाँ हाँ वो ऐसे एक सितम थोड़ा बहुत हुआ है, हाँ, बस छोटे वाले बच्चे पे यही हुआ, नहीं एक्चुअली हम सारे भाइयों पे हुआ, सब पिटे, ओहो माई भाई पे सबसे ज्यादा हुआ, बहुत पिटे देखिए ना बच्चे पिटते हैं तो कुछ बनते हैं, ये अंदर की तो आप लोग भी अपने बच्चों को पीटे। हाँ पता है कि एक नया एक क्राइटेरिया शुरू हो गया था कि बच्चों को कुछ नहीं कहा करो, ये थोड़ा सा जो आजकल का माहौल है उसमें थोड़ा बहुत बच्चों पे नजर रखना जरूरी है, डांट फिटकार जरूरी। अच्छा वैसे थोड़ा सा मैं, मुझे लगता है कि एक एक एज जो होती है जिसमें आप बच्चों को डांट भी सकते हैं, हल्का फुल्का मार सकते हैं, यही तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ है जहाँ पेरेंट्स को अब ये बर्ताव रखना है, अब ये बर्ताव, जैसे स्कूल्स में जैसे स्कूल्स में मुझे नहीं पता कि अब क्या सिस्टम होगा, स्कूल में कर दिए बच्चों को मारना नहीं है, तो यार वो स्कूल वालों का कोई हक नहीं है भाई फुट्टे से। अच्छा मैं आपको बताऊँ, मैं थोड़ी सी इस पे डिबेट करता, हमारा स्कूल है ठीक है, अब वो कुछ भी नहीं कहा होगा ना टीचर ने, बच्चा कहेगा मैंने काम नहीं करना आप क्या कर सकते हैं, माँ बाप आ जाएंगे अगले दिन लड़ने के लिए, तो थोड़ा सा तो होना चाहिए कि डांट सके या कोई कुछ कोई पनिशमेंट दे सके, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मिसयूज होते स्कूल्स है ना, ऐसे ही होता है, मैंने खुद देखा है जैसे हम खड़े होते थे एक रिस्पेक्ट के लिए गुड मॉर्निंग टीचर, या हम कभी डेस्क पे पांव रख के नहीं बैठते, एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट, लेकिन जब मैंने 2 साल जर्मनी में पढ़ा है तो वहाँ सबसे रिस्पेक्टफुल स्टूडेंट मैं ही थी, कोई खड़ा नहीं होता, तो टीचर के आने पर टीचर बैठी भी है दोस्तों की तरह बात करते हैं, हाँ और वो पैर रख के बैठे हुए डेस्क के ऊपर, मैं जर्मनी में 2 साल पढ़ा है, तो मैं कहती अल्लाह ये क्या है। अच्छा कल्चर भी बहुत डिफरेंट है ना, देखिए हमारा यहाँ कल्चर डिफरेंट है उनका डिफरेंट है, जो भी रिस्पेक्ट आपको पेरेंट्स और टीचर, वही मैं कह रहा हूँ ये होना चाहिए, अब यहाँ पे पाकिस्तान में इतना वो कर दिया है कि आप बच्चों को अगर कहेंगे कि इसको नहीं मारना बच्चे को तो बच्चा उसको मिसयूज करेगा, यहाँ पे होता है कि माँ बाप लड़ने के लिए आ जाते हैं, सब जगह नहीं होता, बहुत कम होता है, वो भी खाए हुए ठीक है, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना तो होना चाहिए कि आप उसको देंगे, बच्चा कह रहा नहीं मैंने याद करके आना, अब आप बच्चे को क्या कहेंगे, अच्छे स्कूल में पनिशमेंट मैं आपको बताऊं क्या है, अब एम्बैरेस करने की पनिशमेंट, ये कुर्सी है ये पनिशमेंट चेयर है, अगर ये नहीं किया तो यहाँ बिठाया जाएगा,
पता है ना, बड़े बच्चे बड़े ईगो वाले बड़े इज्जत वाले हो गए. कुछ स्कूल्स में बड़ी टेक्निकली हैंडल किया जाता है, ये पनिशमेंट चेयर है, होमवर्क नहीं होगा तो यहाँ बैठोगे. अब पूरा स्कूल देख रहे हैं पनिशमेंट चेयर के साथ. बच्चों का दिमाग चेंज हो गया, वो पहले की तरह बच्चों की सोच रही नहीं रही है जो हम कभी सोचते थे. माँ बाप को ना बच्चों के साथ सख्ती के साथ साथ दोस्ती का रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है. दूसरा मुझे लगता है कि एक तो हमारा वैसे ही इतना सुनने का खत्म हो गया बिल्कुल भी. मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि कुछ भी होना ना डिबेट्स बच्चों को सिखाएं कर कर, क्योंकि हम में इतना शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया. मेरी मिसाल के तौर पर सलमान से बहस होगी तो वो बहस होगी कोई टेक्निकल ग्राउंड होगा ना, कि मैं कोई अपनी बताऊंगा राय वो अपनी राय देगा, गालम गलोच पे शुरू हो जाएंगे. आप सोशल मीडिया पे देख लें कोई बंदा वहाँ बहस नहीं करेगा, वो वहाँ पे बात ही गालम गलोच से शुरू करेगा. तो मुझे लगता है कि नीचे से ही अभी हम शुरू करेंगे तो नीचे से डिबेट शुरू हो, ताकि उनको पता हो कि भाई बात भी कर सकते हैं. ये नहीं हो सकता सही बच्चों की परवरिश के मामले में सही. हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं और आपने सितम अगर नहीं किया अपनी जिंदगी में, थोड़ा बहुत सितम यहाँ कर लीजिएगा क्योंकि करना पड़ेगा आपको और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यही एक्टिविटी है. ओके हाँ भाई चलो जी, पहला सितम क्या करना है उन्हें ड्रामे में, अगर किसी का रोल छोटा करना हो तो इन तीनों में से आप लोग अलग अलग चूज भी कर सकते हैं, किस में सितम ढाएंगे, सबा कमर, महविश हयात या हुमायूं सिंह. रोल छोटा करने के लिए हाँ, क्योंकि इन तीनों के हमेशा बड़े डोमिनेटिंग ड्रामे और इनकी ही पिवोटल रोल्स होते हैं. तो अगर आप तीनों में से सितम अगर ढाएंगे तो किस पे ढाएंगे, किसका रोल थोड़ा छोटा कर देंगे, छोटा रोल करने का सितम होना. हाँ सितम किस पे ढाएंगे, मेरे से क्यों शुरू कर रहे हो सारे. अच्छा चलो तुम बता दो, चलो तुम करो ना वहां से शुरू. ये सितम तो आपको करना पड़ेगा थोड़ा बहुत. देखो हुमायूं भाई को तो नहीं मैं करूंगा, मैं उनका ड्रामा करूंगा. अब हम महविश और सबा बजते किस पे सितम ढाएंगे. आई थिंक महविश, महविश के सितम ढाएगी. अनमोल तुम किस पे सितम ढाओगे भाई. सामा यार दिल तो नहीं कह रहा लेकिन चले सबा कमर. सबा कमर का रोल महविश. महविश महविश पे सितम ढाएंगे. अब आप सलमान किस पे सितम ढा रहे हैं भाई. सबा पे डाल देता हूँ. सबा पे यार घर की बात घर में खत्म कर लोग इसका भी गलत मतलब निकाल लेंगे. ओके भाई नेक्स्ट सितम क्या ढाना है इन्होंने, दिखाइए जी क्या. किसी को अल्लाह मैं फंस गई, किसी के गोरे रंग को अगर थोड़ा कम करना पड़े तो तीनों गोरे हैं ना यहाँ आपके, तो किस पे सितम ढाएंगे आप. मैं तो इसका थोड़ा सा कम करूंगा हानिया का. हाँ. वैसे इसको तो गोरा और गोरी बेस लगा रही थी और गोरी लगती है ना. है तीनों बहुत खूबसूरत. हाँ तीनों बहुत खूबसूरत है और मुझे लगता है वैसे मैंने जब मैंने हानिया का मुझे लगता है कि थोड़ी टैन हो तो ज्यादा और प्यारी लगेगी. बहुत प्यारी है. फेस गोल है ना. हाँ. तो गोल फेस को और अगर आप और गोरा करते तो स्क्रीन पे वैसे दिखने में तो बहुत प्यारा लगता है लेकिन स्क्रीन पे और आपका फेस बड़ा. सही है आपने भी हानिया को चुना. आपने किसको चुना हानिया को. आप बताएं किस पे सितम ढाएंगी. थोड़ा टैन वैन हो जाए नहीं जाए जरा अपने आप को. गोरा तो टैन करता है अपने आप को खूबसूरत है. जैसे हैं वैसे खूबसूरत हैं. अब क्या थोड़ा सा और जरा सितम ढा दो. चलो तुम टेक्निकली जवाब दे. जबरदस्ती का सितम है ढा दो. हाँ दे ऑल आर ब्यूटीफुल. ओके पता नहीं फिर मुझे लगता है कि यमुना का कलर उतना फेयर नहीं है. लाइक बिल्कुल ठीक है जितना होना चाहिए. खूबसूरत कलर एज कम्पेयर टू हानिया यमुना का उतना फेयर नहीं है. दोनों वो बहुत अच्छे हैं. हानिया में लगता है ज्यादा टैन होगी तो और ज्यादा प्यारी लगेगी. और ज्यादा प्यारी लगेगी क्योंकि उसकी अट्रैक्शन अलग है ना. तो वो क्यूट है क्योंकि डिम्पल जब होते हैं ना डिम्पल विजिबल होता है जब आप टैन. ठीक है ओके जी. नेक्स्ट सितम क्या ढाना है इन्होंने. किसी का कद अगर आपको छोटा करना पड़े ठीक है तो इसमें से आप किस पर सितम ढाएंगे. सनम सईद, इजाज असलम या मोहिब मिर्जा. ये यार आप सलमान की ऑप्शन चाहिए क्या. सनम ये हाइट होनी चाहिए. नहीं लेकिन सितम ढाना है ना. मैं वही तो कह रही हूं सितम ढा रहे हैं. सनम सईद. सनम सईद को थोड़ा सा आप चाहेंगे. बहुत लंबी है. I think she's 5'8" 5'9" काफी लंबी है. मतलब 5'6" 5'7" तक लड़की है. सबके बराबर आ रही होती है. हाँ. सनम की हाइट बहुत प्यारी है भाई. सनम की हाइट अच्छी है. लड़कियां कुछ तो है जिनकी हाइट बहुत अच्छी है. कुछ तो है. इन्होंने अभी साड़ी पहनी थी एक अपनी मूवी के प्रीमियर में. और ग्लासेस भी लगाए थे बड़ी वैसे. इजाज़ भाई बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं लेकिन थोड़ा सा अगर बंदा कर लें तो ये
सबसे ग्रैंड सेल्फी जो है ना वो एजाज, हाथ भी लंबे हाँ, क्योंकि मैंने हर सेल्फी में एजाज भाई को देखता हूँ सबसे आगे होते हैं, क्योंकि वो हाँ। एक नादिया हुसैन लड़कियों औरतों में और मर्दों में एजाज, मेरी ऑप्शन होती है ना अपने आप को 2 इंच छोटा कर लेता क्यों भाई मुझे जिस तरह काम करना पड़ा होता है ना, हमारे सोलो ही होते हैं, मेरे इतने सीन है सलमान के साथ, लोगों को अलग से, मेरे इतने सीन है सलमान के साथ कि हम लड़ रहे हैं आपस में बातों बातों में, और मैं ऐसे कहता हूँ हाँ हो गया और ये तो लॉन्ग शॉट है, क्लोज शॉट्स तो हम आपको खड़े होकर बता भी नहीं सकते कि जो लंबा आदमी है उसने बेचारे ने क्या अपनी मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम है भाई, हर हीरो के साथ मुझे यूं देखना पड़ता है। हाँ तुम तो लंबी हो नहीं, लेकिन इसको लड़के ज्यादा लंबे मिलते हैं ना, अभी ज़ैन बेग था, ज़ैन बेग था, मिकाल था, ये ज़्यादा तुम्हारा पूरा इंपैक्ट एक टॉल आता है, तुम्हारी पतली नहीं नहीं तुम हो, लेकिन एक स्क्रीन पे किसी का कोई लंबे लोग कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा टॉल, तुम ठीक हो, मैं ठीक हूँ जो बात है, हाँ तुम पतली हो, तुम्हारा फेस लंबा है, सो एक इम्पैक्ट, जैसे लाइक शाइस्ता लोधी है वो इतनी लंबी नहीं है मगर उनकी स्क्रीन पे अपीयरेंस लंबी आती है, फेस लंबा है उसकी वजह से, मेरी हाइट उससे ज्यादा लंबी लेकिन वो मुझसे लंबी लगती लंबी है स्क्रीन पे क्योंकि मैं गोलम ओके जी किस में से टम धाना है आला? क्या है क्या लिखा है मुझे नजर ही नहीं आ रहा, सेलिब्रिटी आगे आगे सेलिब्रिटीज जिनकी उम्र रुक गई है इनको इनकी असल उम्र में अगर दिखाना तो आप किस पे सितम डाएंगे, एवरग्रीन लोग हैं ये तीनों, ये एवरग्रीन, ये मैं चाहती हूँ मैं जब इस एज में जाऊँ तो मैं भी ऐसी, मैं खुद यही सोचती हूँ भाई, एक कॉन्सेप्ट चेंज होना चाहिए ना तो मैं ड्रामों में देखते थे ना पहले जितने भी माएं और एक ग्रे लट होती थी, यहाँ वैसा कुछ नहीं है, अब तो सारी जवान माएं हो रही है और एक्चुअल जिंदगी में भी ऐसा हो गया, हम अपने बच्चों की जब लाइक पेरेंट टीचर मीटिंग वगैरह में जाते हैं तो हमें कोई वो नहीं हूँ बुजुर्गी कोई कहीं नजर महसूस नहीं होती, हाँ महसूस भी नहीं होती है और अगलों को भी नहीं महसूस होती, माशाल्लाह सब इतने अपने। अच्छा एक और चीज ये कि जो एक्टर्स वगैरह ये लोग अपने आप को शायद मेंटेन इस तरह करते हैं कि अगर आप अपने एज के लोगों से मिले तो आपको लगेगा कि तूने क्या कर लिया यार, मैं अपने बहुत से दोस्तों से मिलता हूँ यार तू प्यारा था बाल, मैंने एक दफा एक शो किया था एक यहाँ सेलिब्रिटी बिठाए थे और वहाँ एक आम औरत बिठाई थी जो अपना ख्याल नहीं रखती, दोनों सेम एजेस के थे सो एक डिफरेंस था दोनों में, बताएं भाई किस पे सितम ढाएंगे आप लोग, बिल्कुल नहीं ढाना चाहेंगे लेकिन मानू पर लोच बिल्कुल भी नहीं, सितम ढाएंगे आप किस पे सितम ढाएंगे, बिल्कुल भी ढाना चाहूंगा लेकिन मानू पर लोच, मानू बलोच आप किस पे सितम ढाएंगे अनमोल, रीमा नुमान एजाज या मुझे तो लगता है जब भी पिक्चर अपलोड करती है पुरानी कर देती है है ना वही पुरानी नहीं होती कि जो कि नहीं होती है, मैं एज से 10-15 साल कम, मुझे ये पता है कि ये बंदी रोज जिम करती है अपनी नींद पूरी करती है, इनका मिर्च मसाले वाला खाना नहीं होता, इनका एक अलग शेफ है, अच्छा मैं इनसे क्यों उबलावा खाना और इस तरह, बाकी दो से तो मैं मिला हूं इनसे मैं कभी भी नहीं मिला तो मैं मिलने के बाद ढाना चाहूंगा, हां ज़ुल्म सितम ओके जी, ढाना चाहोगे वो सितम होगा, आइए जी नेक्स्ट सितम किस पे ढा रहे हैं, सेलिब्रिटीज जिनकी अभी शादी नहीं हुई है और इनकी शादी इनकी आजादी जो आप मारेंगे सितम करवा के सितम, तीनों की मैं शादी करना तो अच्छी बात है, सुनिए ड्रामे में मम्मा की तो हो रही है ना मारिया जी की, असल जिंदगी में पूछ रही हूं, देखिए शादी करना तो अच्छी बात है, आयशा उमर या तीनों पे ढाल देना चाहिए, तीनों पे ढाल देना, ये सितम आप तीनों पे ढाल दो, रेशम की शादी नहीं हुई, नहीं अच्छा ये मुझे आज पता लगा लेकिन मेरे ख्याल तीनों पे ढा देना चाहिए, हाँ। शादी करवा देनी चाहिए भाई उनकी मर्जी, करना तो चाहती होंगी तीनों, हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये सितम आप कह रहे तीनों पे ढाएंगे, हाँ। अनमोल तुम किस पे ढाओगी सबसे ज्यादा, मुझे लगता है आयशा उमर है ना, और आप तीनों पे, बाकी उनकी मर्जी, पकड़ के शादी करवा देनी लड़कियों की, हाँ भाई है ना हमारी तो ये आप भी करें, हमने शादी वीक्स करना खत्म कर दिए, हम नहीं करा रहे भाई, वो एक जिम्मेदारी है शादी कराना किसी की, बहुत प्रॉब्लम है, कौन कैसा आगे वाला कैसा निकलता है तो वो बिल्कुल भी मुझे मिसेस खान ना समझे, मैं नहीं शादियां किसी की करा रही, ओके जी छोटा सा ब्रेक, ये तीनों सितम ढा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन एक्चुअली तो सितम ढाने वाला ड्रामा आप देखेंगे रात को 9 बजे मंडे थर्सडे डिजिटल पर, क्या है इसका नाम, एक सितम, एक सितम। और गुड मॉर्निंग, ये हैंडल करिएगा, इस ख्याल में मत रहना कि तुम्हारा सहारा बनूंगा मैं, मामा ने मैं वैसे भी किसी के सहारे की मोहताज नहीं,
इतनी सी खुश फहमी ने तो तुम्हें मेरा होने में मजबूर कर दिया है। ये तो वक्त ही बताएगा। कौन मोहताज है और कौन बेसहारा। मौलवी साहब निकाह शुरू करें। जो तेरा मेरा साथ है ना होने अब तो करना ही पड़ेगा। साथ है वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। 1 सितम और रात 9 बजे से मंडे टू थर्सडे आप देखेंगे यार डिजिटल की स्क्रीन पर 6 Sigma Plus के प्रोडक्शन है और आप साजिद हसन को देख रहे हैं, रुबीना अशरफ, मारिया वास्ती, शहूद अलवी, आयशा गुल, सिरा असगर, अदनान जलानी, जवेरिया अब्बासी, फाद खान, मेहरुनिसा, अयाज खान एंड अदनान जाफर को आप देखेंगे। और ये तीन तो यहाँ हैं, सलमान और उसामा और अनमोल, ये तीनों तो हैं। और किसी का नाम तो नहीं रहेगा? नहीं नहीं, डायरेक्टर जो है वो इलियास कश्मीरी हैं एंड रिहाना आफ्ताब राइटर हैं। ये तो हमने आपको नॉलेज दे दी। अच्छा वैसे भैया क्यों देखें हम आपका ड्रामा, ये तो मेरा सवाल बड़ा ज़रूरी है। आप जवाब दे पहले इसका। चल अब ये ना कहते ना इसमें सलमान सही। हाँ नहीं इसलिए भी देखें क्योंकि मैं हूँ ड्रामे में और बड़ा मुझे काफी अरसे बाद एक रोमांटिक रोल करने का मौका मिला है। वरना विलेनिश कैरेक्टर वरना नेगेटिव रोल होता है। और भाई पता बड़ा अच्छा है, मैं बताऊँ आपकी अच्छा असर पड़ता है। आप जो कैरेक्टर कर रहे होते हैं आप घर में वैसे ही हो जाते हो सीरियसली। ये मैंने ऑब्जर्व किया, आपने मेरा मियाँ अच्छा मियाँ बना होता ड्रामे में, असल जिंदगी में बड़ा अच्छा मियाँ होता। अच्छा नहीं मैं नहीं होता ऐसा, मैं मेरी शूट कर मेरा वो स्विच ऑफ हो जाता है। कैसे हो सकता है? नहीं आपको इंपैक्ट होता है ना, आपको खुद जवाब जब आपको बदतमीज कैरेक्टर कर रहे होते हैं ना, आप सेट पे बदतमीज हो रहे होते हैं किसी से, आप बाहर भी बदतमीज हो रहे हैं। आप जब रोमांटिक हो रहे होते हैं ना तो आप फिर रुक जाते नहीं यार छोड़ दे, अच्छा नहीं लड़ते नहीं है, ये नहीं करते। मैंने वो चीज नेचुरल आती है, बहुत ज्यादा असर होता है। इवन के सेट के ऊपर भी अगर जिस तरह यहाँ पे मैं बदतमीज हूँ थोड़ा सा तो मैं बोल देता हूँ कुछ चीजें, नॉर्मली मैं नहीं बोलता, लेकिन मैं सेट पे भी बोल देता हूँ। मतलब कभी मैंने अनमोल को छेड़ते हुए कुछ बोल दिया और मैं सोचूंगा कि बर्दाश्त कर लेगी। तूने ऐसा कुछ भी नहीं किया था ना एरोगेंट यार, हमारा जो दूसरा वाला घर है वहाँ पे मेरा इसको भी मैं सुना देता हूँ। अच्छा? यासिफ को सुना दी एडी हमारा से। नहीं नहीं होता है, आपका इम्पैक्ट आता है। हाँ जो आपका कैरेक्टर होता है ना कुछ दिनों तक आप उसके होल में रहते हैं जब तक दूसरा ना शुरू हो, वो वाली चीज है। सो कैसी कितनी अंडरस्टैंडिंग तुम लोगों की हुई है ये ड्रामा करते हुए, एक दूसरे के बारे में कितना जानने का मौका मिला? मेरा और इसका तो चौथा। अच्छा ये चौथा प्रोजेक्ट है तुम लोगों का? एक एक दो में खाली हमने टेलीफिल्म की है और हमने एक दूसरा ड्रामा किया। एक टेलीफिल्म हम तीनों ने भी किया है एक साथ। हाँ हाँ हाँ, पहली दफा इसके हमने एक प्रोजेक्ट किया था लास्ट, जो भी इलियास भाई ने डायरेक्ट किया A+ का, तो उसमें भी हम साथ थे। तो हम साथ थे। अच्छा हमारी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, वो इस्लामाबाद में शूट हुआ था। अच्छा उस वक्त हमारी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। अब मैं इसको परसों कह रहा था नहीं अनमोल अब तुम्हारे से मेरी दोस्ती हो गई है। टाइम लगता है, हर पता है हर कोई इतना फ्रैंक नहीं होता आराम से दोस्ती में। मुझे लगता है हम तीनों शाये हैं। हाँ तीनों शाये लोग एक साथ मिले, हम लोग चुप ही रहते हैं। और लेकिन मेरे सलमान के साथ ये पहला मेरा प्रोजेक्ट है, लेकिन हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। तो मेरे ख्याल लड़कों को इतना टाइम भी नहीं लगता नॉर्मली कोने में, लड़का लड़की या लड़की लड़की को शायद टाइम लगता है। पहले सीन में हम लोग थे थोड़े से, पहला सीन इतना लड़ने वाला था, पहला सीन ही 5 पेजेस का लाके दे दिया ये लो कर लो। अच्छा अब हमारे पास एक बड़ी मजेदार एक्टिविटी, देखते हैं कि आप लोग एक दूसरे को कितने अच्छे से मतलब लाइक आंखों के इशारे समझते हैं कि नहीं। मैं मेरे पास कुछ सेलिब्रिटीज की पिक्चर है, कुछ लव्स हैं, सॉरी सेलिब्रिटीज नहीं है, कुछ पिक्चर्स हैं कुछ लव्स हैं, उनको आपने एक दूसरे को गेस करवाना है, सही है? मतलब लाइक तीन तीन चार चार इसी तरह गेस करवाना। सलमान आपसे शुरू करते हैं, तो आप जो भी लव्स है एक मिनट मैं पहले देख लूँ फिर क्या, फिर मैं पिक्चर उठानी होगी। अच्छा अनमोल पहले लड़कों को गेस करवा दे, है ना? ठीक है हाँ ठीक है चलो चलो भाई। तब मैं किधर खड़ा करूँ, कैमरामैन बताएं, यहाँ अनमोल इधर आओ, तो दो तीन तुम्हारे जो हैं वो सलमान आप आ जाओ। हाँ ये आमने सामने दूसरे गेस करवाएंगे, अनमोल से गेस करवाना है ना, सही खड़ा किया है मैंने क्या? इधर
कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से भी डायरेक्टर से पूछ रही होती हूँ ना. हाँ अच्छा, अब अनमोल तुमने गेस करवाना है मैंने, और सलमान आपने पिक्चर नहीं देखनी, आपने अपनी कुछ इस तरह सर पर पिक्चर रखनी है. Okay. और बोल सकती है अनमोल कुछ या वैसे ही रख सर पे ना, ताकि हाथों में, ताकि तुम ना. अरे ये कैसे करवा मुझे यूं भी नहीं आएगी नजर, आज से नहीं आएगी नजर, बस ठीक है. अच्छा अब तो ये कुछ हिंट्स दो, देख लेना मैं रख देता हूं, हिंट्स दो कुछ भी. बोल सकती हूं कुछ? हां कुछ हिंट्स दो ना, मैं हेल्प कर सकता हूं तुम्हारी. ये नहीं, दोनों मिलकर तुम उनको गेस करवाओगे जिस इंसान के काम में मुझे भी गेस करना है. सोया रहता है, पड़ा रहता है, लाइक उसामा. और मैं कहती हूँ कुछ काम कर लो, कुछ सीन कर लो. नहीं करता. Like क्या बोलते हैं उस बंदे को जिस, जो लेजी होता है, जो काम नहीं कर रहा होता. लेजी कहते हैं उसे. तो उसे उर्दू पढ़ा रहता है, उर्दू. अच्छा ये कोई एक्टर अच्छा, नहीं है? नहीं नहीं, एक वर्ड है. अच्छा, वर्ड है, कोई भी वर्ड गेस. अक्सर तुम्हें घर वाले कहते थे ना कि कुछ कर नहीं रहे तुम, वो हो. बताया था घर में शुरू में तुम्हें बोलते थे तुम. नहीं नहीं कुछ और, यही यही इसका दूसरा है. मतलब कुछ काम कर लो, तुम तो बड़े वो हो, मतलब नेस्ती. नहीं नहीं और कुछ. डीले. नहीं नहीं डीले. कोई काम नहीं करता ये लड़का. फरे. नहीं हाँ वो वही वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा. हाँ वही वाला नहीं आ रहा. वही वाला नहीं आ रहा. मैं गेस कर लूँ? आजकल जेवर नहीं पहना करो. मैं गेस कर लूँ? आजकल जेवर नहीं पहनने चाहिए. उस तरह भी कुछ दे सकती हूँ. आजकल जेवर नहीं पहनने चाहिए. इर्द गिर्द बहुत सारे. हाँ घर में जो काम करने लोग होते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं. कब कुछ लोग कभी कहते हैं ना कि खाली घर में ही नहीं, बाहर भी. बाहर भी आजकल बहुत सारी महंगाई की वजह से बढ़ गया. यार मैं गेस कर लूं? मैं गेस कर लूं? आ जाओ तुम, आ जाओ भाई. वो 5 बजे का उठता है. देखो भाई बात ये है कि अब बताओ मुझे. हां बताओ बताओ जो मैं तुम्हें बोलती हूँ. तुम काम चोर. सही है, जल्दी से नेक्स्ट हो जाती हूँ. चलो जो नहीं, दोनों को गेस कराओ, दोनों को गेस कराओ भाई. अच्छा इसका तो मुझे मतलब भी नहीं. अच्छा हाँ हो गया, रख दूँ? नहीं नहीं हाँ हाँ ठीक है, हो गया हो गया. जो अभी तुम कह रहे थे कैरेक्टर के हिसाब से, जैसे आप बहुत ज्यादा कभी कर जाते हैं. हाँ. क्या करते हैं हम? ना छोटे का लिहाज, ना बड़े, बड़े का बदतमीजी. उसका और? हाँ, बदतमीज का और? और क्या वर्ड होता है? बदतमीजी और सर पे रहा. नहीं क्या? एक बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी. जुबान दराजी. जुबान जुबान. ये 5 बजे वाले तुम भी कुछ सोच लो. जुबान दराज. हाँ. जुबान दराज. चलो चलो गेस कराओ. पकड़ो. ये है क्या? अच्छा यार वही जो तुम अपनी अम्मी के हाथ. हाँ घर का खाना, मतलब लजीज खाना. लजीज खाना, लेकिन ये एक डिश है जो तुम्हें बतानी है. नमकीन है? मीठा नमकीन है. मतलब तुम्हें एक डिश है जो बतानी है. खाने का नाम है? हाँ एक डिश है. कुछ और समझ नहीं आता. कढ़ाई में लावा बना लो. मीठा कुछ और समझ आओ. पंजाब में तो बहुत बनते हैं आलू. हाँ और देखो जरा आलू का चावल, दाल चावल. साथ में दो चीजें हैं ना, आलू और बैंगन. नहीं आलू बैंगन बनते हैं. आलू गोश्त. आलू गोश्त. जितना मैं बता रही हूँ. चलो और ये क्या है? अच्छा ये कोई किसी जगह है, तुम्हें समझ आ गई ना कौन सी जगह है? एक जगह है जहाँ पर लोग जाते हैं घूमने के लिए. समंदर है. वेरी गुड. वेरी बीच. फ्रेंच बीच. मैंने गेस क्या करवाना था? सॉरी. ये एक जगह जहाँ हर छुट्टी पे सब चले जाते हैं और बैग रखने की जगह नहीं होती. हाँ कौन सा वाला है वो जगह? ये वाला. ये नहीं अपना डॉल्फिन वाला सीपीयू. हाँ बिल्कुल सही. चलो स्विच करो सामा, तुम इधर आओ, रखो वापस. हाँ चलो वो सामा गैस कराएगा इन दोनों को. तुमने जीरो नंबर कमाया है. नहीं मैंने बोला ना सीपीयू. एक हो गया. एक नंबर हो गया. चलो भाई. हाँ यार मैं नीचे रखो. हर महीने आपकी जेब में सैलरी. पैसे. पैसे उर्दू में बोलो क्या कहते हैं? तनख्वाह. तनख्वाह. गुड गुड गुड. आ रहा हूं मैं. गैस कराने में अच्छा चल रहा है दिमाग. आगे बोलो. आगे फॉर्म में. हां ये बड़े शौक से हम खाते हैं. कभी बाहर जाए तो. हाँ बिल्कुल. एक्शन बना दो. यार ये तो कुछ भी हो सकता है. मतलब ये तो कुछ भी पूरा कर लेते ना ये करके. यहाँ तक नहीं पहुँचाया मैंने. मैं यू हेल्प कर रहे हैं ना एक दूसरे. आगे हेल्प कर रहे हैं. गोलगप्पे
अब ये क्या करूं मैं, ये तो मुझे खुद नहीं समझ आ रहा, लेकिन ये यार ये बचपन में हम कार्टून देखते थे, उनकी टॉम एंड जेरी उनकी मूवी भी आ गई, वो कौन सा सुपरमैन वो कौन सा शो था, वायरल हुई थी उसकी क्लिप के वो ऊपर चड्डी पहन के, तुम लोग क्या था, कौन था कोई लड़का था यार इसी तरह किसी को दिया था, था उसमें मैं तो अच्छा वो वाला था, ये हारून हो गए, ये और हारून हो गए, जो पैंट के ऊपर चड्डी पहनता है ये सेम तरीके, मुझे याद नहीं आ रहा, मेरा हंस हंस के बुरा हाल, मैंने कहा क्या क्या ये वो आपने बोला था, ये क्या है, निकला था ये है, ये क्या है, व्हाट्स दैट, नहीं वो तो मुझे समझ आ गई, लेकिन ये अक्सर होता है ना, कहते हैं जिसकी शादी अच्छा होती है और नहीं इतनी शादी होती है, महावरा है लड्डू नहीं बर्तन अगर आप बनाते हैं कुछ, देखो मैं बताती हूँ उसका एक बहुत मशहूर चीज है, जैसे किसी की शादी पे बारिश हो गई है तुम लोगों को भी पता होगा, तो कहते हैं ये किया होगा, तो किसी की भी शादी पे बारिश होती है, इन लोगों को वो नहीं पता होगा, क्यों नहीं पता होगा, किसी की शादी पे बारिश होती है ना तो कहते हैं तुमने ये काम किया होगा सारी जिंदगी, इसलिए बारिश हुई, बारिश हुई। हाँ। ये तो नहीं सुना हमने कभी, नहीं सुना, गुनाह क्या होगा, इनकी तो वैसी शादी हो गई है, ये इनकी गुनाह तो क्या होगा, गुनाह नहीं, गुनाह नहीं बोल रही यार है। मैं आपको आसानी बताता हूँ, जब आप खाना बनाए तेज आंच पे तो क्या होता है, तो किसी को आग छोड़ दे वो वाली चीज खाने की, आग लगाना नहीं, यहाँ तो बारिश, अच्छा खाने की चीज है ये तो बताओ, नहीं नहीं ये कोई मुहावरा है मेरे ख्याल से, कोई कहावत नहीं, कोई मुहावरा नहीं है कुछ नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है, वर्ड है, एक वर्ड है, कुछ लोग बहुत शौक से खाते हैं, स्पेशली इंतजार करते हैं उस चीज को खाने का, नहीं ये नहीं मुझसे नहीं होगा भाई, देखो जैसे बिरयानी बन रही है सही, उसको दम लगाते हैं धुआं, लेकिन नहीं, लेकिन जो दम लगाने के बाद भी उसकी कुछ ऐसी चीज रह जाती है जो बिरयानी ऊपर खाने से ज्यादा वो चीज खाने के लिए इंतजार होता है कुछ लोग, गोश्त चिकन आलू खुरचन की बात करें, खुरचन को कैसे भाई ये इसका एक मिथ बना हुआ है, मिथ नहीं होता जैसे बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो कुछ मनहूस नहीं पता, ऐसे ही जब किसी की शादी में बारिश होती है तो ये कहते हैं कि इसने खुरचन खाई होगी, मैं सोच रहा ऐसे 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 करके कुछ बता दो आगे, अच्छा हाँ वी नॉट बैड, रमजान आने वाला है ना, अभी पिछली बतानी है अगली बतानी है, मैं पिछली अगली मतलब लाइक हुई दो है। नहीं है दो है अलग दो ही चीजें तो सही यार, रमजान आ रहा है सुबह सुबह सहरी मेहरी दही दूध में फेनिया खजला फेनी सही है भाई, हाँ अब क्या है आखिरी, चलो ओए होए पता है ना कौन है ये यार, गेटअप में नहीं है तो तुम पहचान ही नहीं रहे, पंजाब मूवीज फिल्म के एक्टर शान, हाँ एक्टर शान, हाँ नहीं हीरो तो नहीं है वो विलन है, विलन है शक्ति चीमा, बिल्कुल सही, आ जाओ बैठो तशरीफ रखो और हम छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, वेरी नाइस, क्या बात की है यार, कहां से लेकर आए हो सलमान, ये वाला कहां से लेकर आए, चीमा द टाइम, भाई आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप हमें बैठ जाएं और बैठ जाएं, मैं सभी से बात नहीं, आप लोगों को बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के ड्रामे के लिए, रात 9 बजे से मंडे टू थर्सडे ARY डिजिटल के स्क्रीन पर नजर आएगा एक सितम, और बड़ी डिफरेंट कहानी है, रिवायती कहानी नहीं है, और इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएगा, रेटिंग उसामा आपका आपके तो ड्रामे की रेटिंग की तो रेटिंग जरूर नहीं किया कभी ना, ये तो बड़ा मसला हो गया, ये क्लिप हम आपको फिर बाकी कास्ट के ऊपर आ जाता है कि यार नहीं इसकी वजह से नहीं होगा, इसकी वजह से होगा, सो इंशाल्लाह आप आज रात से देख सकेंगे, आप लोगों का बहुत शुक्रिया शो पे आने का और इंडोर्स करने का, बताने का लोगों को, तो आज की रात वो जो है 9 बजे बिल्कुल 9 बजे हम लोगों ने बहुत मेहनत की बहुत है, मेहनत की हमने, बहुत प्यार से बनाया है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग उतना ही प्यार देंगे जितने प्यार से हमने बनाया है, तो प्लीज़ लाजमी देखिएगा, और मैं वाकई बता रहा हूँ कि हम लोग बिल्कुल एक फैमिली की तरह काम कर रहे हैं, और बिल्कुल ऐसे है कि सबकी इनपुट और सबके करेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मेकअप आर्टिस्ट मेकअप आर्टिस्ट से लेके जो हमारे एडी आसिफ है, सब लोगों ने स्पॉट बॉय सब ने बहुत मेहनत की, प्लस ड्रामे की स्टोरी इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये वो एक रवायती स्टोरी नहीं, आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा, ये कंपलसरी है, ये मैं बता रहा हूँ, तो आप कुछ कहना चाहेंगे, बिल्कुल कहना चाहूँगा, मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा सिक्स सिग्मा की टीम को और इलियास भाई
जिन्होंने बड़ी मेहनत की है, आसिफ जो एसोसिएट है हमारे, आज भी रो रहा है। बड़ी बेचारे आज भी रो, पहले दिन से बेचारा परेशान है कि इतनी बड़ी ह्यूज कास्ट को कैसे मैं मैनेज करूंगा। तो हमने बड़ी मेहनत से काम किया और आपको सबका, सबके कैरेक्टर्स बड़े अच्छे पसंद आएंगे इंशाल्लाह। आज रात को आप देखेंगे 1 सितंबर और रात 9 बजे एआरवाई डिजिटल पे। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जानते कि मैं यहाँ क्यों रुकी? मैं चाहती हूँ आप मुझे इस घर में अपने इर्द गिर्द अपनी नजरों के सामने चलता फिरता देखें। तुम्हारा एक एक लम्हा अगर मैंने तकलीफ में ना बदल दिया ना, मेरा नाम भी शहरोज नहीं होगा। वो मुझे पसंद करती, मेरी होने जा रही, वो जबरदस्ती के रिश्ते को कभी कबूल नहीं करती। आपको जो समझना है आप समझो, लेकिन आज के बाद मेरे रास्ते में मत आइए। उष्णा ने मेरे भाई को मोहब्बत के जाल में फंसा रखा था। तुमसे मोहब्बत के बाद ही तो मुझ पर एक खुला है कि तुमसे पहले जो जिंदगी थी वो इतनी बेरंग क्यों थी। सौतन का नाम सुनते ही औरत जल जाती। आपने सिर्फ सौतन को ढूंढने निकली है बल्कि उसकी हां की मुंतजर भी है। बस करो। सॉरी उष्णा। बहुत खुशी हो रही है मुझे। आप जैसे घमंडी इंसान को मुझ जैसी नाचीज से माफी मांगता देखकर। जो तेरा मेरा साथ है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी हम एक जबरदस्त सेगमेंट करने वाले हैं नेस्लो नीडो वन प्लस ग्रोइंग अप फार्मूला के साथ मिलकर। आज हम सब जो है ना वो एक जबरदस्त सेगमेंट करेंगे और हमारे साथ जो है वो सनम जंग है। सही माओं को चूज किया है ना। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, और आज नीडो वन प्लस ग्रोइंग अप फार्मूला की तरफ से भी आपको सलाम करता है। और अभी जो है ना हमने बच्चों की ग्रोइंग जो एज है जैसे बिल्कुल 1 से 3 साल बिल्कुल, इसके बारे में हमने बड़ी मजेदार बातें जो है वो खुद एक्सप्लोर भी करनी और लोगों को बतानी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा वैसे 1 साल के होते ही तुम अभी नई नई इस चीज से गुजरी हो। अब तो पुराना हो गया निदा यार, कुछ भी अभी तुम्हें याद होगा हम पुराने हो गए। बिल्कुल। जब बच्चे 1 साल के होते हैं तो टॉडलर्स मुख्तलिफ शरारतें शुरू कर देते हैं ना, उनके लिए हर चीज नई होती है जिसको वो एक्सप्लोर करना चाह रहे होते हैं। कभी वो स्विचेस में हाथ डालते हैं, कभी वो कोई चीज मुंह में ले लेते हैं, ऐसा ही है। वो गिरते हैं, पड़ते हैं। और माँ मेरे लिए जो सबसे क्यूट चीज थी ना वो ये थी कि मैं इंतजार करती थी कि यू नो अलार्म मेरे हाथ में होती थी, मैं इंतजार करती थी कब ये बैठेगी, कब ये भागना शुरू होगी, कब ये चलेगी। तो वो जो उसके जब उसकी गर्दन स्टेबल हुई उसके बाद वो बैठना शुरू हुई, क्रॉल करना शुरू हुआ, जब वो चलना शुरू हुई ना सबसे पहले खड़ी हुई, वो ईद था, ईद थी मुझे याद पड़ता है। तो ईद पे मैं सामने बैठी हुई थी इस तरफ और अलाया एकदम यूं क्रॉल यूं ऐसे बैठी ऐसे एकदम खड़ी हुई, एकदम इसने सहारा लेके यूं खड़ी होगी और यूं 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 करी और मैं इसको देख रही हूँ, ओह माय गॉड इज दैट रियली हैपनिंग, और भागते हुए मेरे पास आकर मेरे ऊपर गिर गई। सो आई थिंक दैट वाज द क्यूटेस्ट थिंग दैट आई रिमेम्बर। मुझे आज तक वो कपड़े भी याद है उसके गोल्डन। अच्छा वैसे तो हम ये चाह रहे होते कि अच्छा ये माइलस्टोन ये हाँ, ये कर लिया, लेकिन जब बच्चे 1 से 3 साल की उम्र में इधर उधर शरारती कर रहे होते, एक्सप्लोर कर रहे होते, सो उनकी उनकी हमें ज़्यादा फिक्र हो जाती है कि उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स हम पूरी कर रहे हैं कि वो इस सब भाग दौड़ में जो मदद कर सके उनको। बिल्कुल निदा बहुत अच्छी बात की। सो नीडो वन प्लस ग्रोइंग अप फॉर्मुला जो है ये 1 से 3 साल के बच्चों के लिए है और इसमें प्रीबायोटिक्स है, इसमें प्रोबायोटिक्स है, इसमें जिंक है, आयरन है और ये आपके बच्चों की न्यूट्रिशनल नीड पूरी करने में मदद कर सकती है। वही ना हम खाना लेकर पीछे पड़े हुए होते हैं ना बच्चों के, खा लो, रो रहे नहीं हो रहे। सो ये एक आसानी माओं के लिए हो जाएगी कि जो उनकी कमियां न्यूट्रिशन में रह जाएगी, क्या पूरी हो जाएगी, क्या हुई भी है और माएं इस्तेमाल कर रही हैं मदर्स। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा हम अक्सर जो है ऐसा करते हैं कि हम बच्चों के साथ भी इंटरेक्शन कुछ करते हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ खेलते हैं और उनको वो कहते हैं ना कि सिखाते भी हैं साथ साथ सीखते भी हैं और उनको एंटरटेन भी करते हैं। सो इस वक्त हम माओं को एंटरटेन करें, यानी हम एक दूसरे को एंटरटेन करें। रियली ओके। एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हम चिट्स निकालेंगे, ठीक है और दूसरे को गेस कराएंगे हम ड्रॉ करके। ओह गॉड, मेरी ड्राइंग तो बहुत बुरी है, मेरी भी बुरी है। लेट्स गिव इट अ शॉट, है ना? किसकी पहले बारी? अच्छा तुम एक काम करो, तुम पर्ची निकालो और मुझे गेस करवाओ ड्रॉ करके। मैं बच गई। अपनी ड्रॉइंग स्किल नहीं, तुम मुझे गेस कराओ, पर्ची देखकर ड्रॉ करो और मैं। ओह गॉड, मैंने ड्रॉ करना है, ठीक है, तो मैं नहीं बची। अच्छा ओके,
ओ गॉड, ये तो मुश्किल है ना, देखना पड़ेगा क्या बना रही। अच्छा, मेरी ड्राइंग पे प्लीज जरा ज्यादा फोकस ना करिए, ऐसे ड्रॉ करो बस कि मुझे गेस करवाना है कि कौन सी ये सही है बच्चे की हरकत है या क्या हरकत है, समझ ले कौन है। इनफैक्ट आई विल मेक कर्ली हेयर। हाँ, तुम मेरी बेटी जैसी बना रही हो, कर्ली हेयर ठीक है। हाँ, ये बच्ची लग रही है मुझे। हाँ, माय गॉड, ये क्या है, ये बस कुछ है ना। ये बच्ची क्या कर रही है, क्या कर रही है बच्ची, व्हाट डू आई डू। ओके, सही है, यहाँ कुछ है, कोई चीज गिरी हुई है, नहीं गिरी हुई नहीं है, गिरी हुई नहीं है, कोई चीजें हैं एंड ये ओके, ये मुझे कुछ हाँ अच्छा ओके, ये बच्चे ने कुछ बनाया है अपने हाथ से। हाँ हाँ, जिससे वो इस उम्र में खेलते हैं, लाइक वो जो प्लेडो होता है। Oh, wow. Is it? It is a Play-Doh. Yeah, कैसे तुमने पहचान लिया? यार अभी बलात्कार मुश्किल साथ का हुआ है, वो तो हर वक्त इतनी मुश्किल, मैंने हाउस बना, मैंने कहा हाउस कैसे पहचानेगी निदा की ये, क्योंकि वो प्लेडो से बना सकते हैं ये चीजें, और कैसे बनाएंगे। That's right. कोई वो बनाई नहीं थी डायरी वगैरह जिसमें वो ड्रॉ करें। Exactly. और ये सॉर्ट ऑफ स्नेक था, बुरा स्नेक, बट या ये छुटा दो और दूसरा गेस कराओ जी, मैंने सही कर लिया गेस। ओके, मैं उसको हटाती हूँ, पहले मैं दूसरा देख लूँ। ओके ओके, लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। ओके, दिस इज इजी, समथिंग सिमिलर, इससे मिलता जुलता है। हाँ, तो बच्चा वैसे ही रहने देते। हाँ ठीक है, ठीक है, और ये टेबल है, समझो ये टेबल थी, ठीक है, मेरी गंदी सी टेबल थी ये, ठीक है, ये एक टेबल है। हाँ ठीक है, इस टेबल पर क्या है। ओके, सॉरी अबाउट दैट। हाँ ठीक है। हाँ, एंड यू हैव टू कीप ऑन गेसिंग। ओके, ये भी बच्चे खेलते हैं, ब्लॉक्स सॉर्ट ऑफ कुछ लग रहा है। दैट्स राइट, हाँ, बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिल्कुल, टॉडलर प्लेइंग विद बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये चीजें मेरे ख्याल से आपके जहन के लिए और वैसे जनरली एक्सरसाइज के लिए भी बहुत जरूरी है। अब अगले वाला मैं अपने हिसाब से देखते हैं, चलो मेरी भी अब स्किल्स जो है ना वो। ओके, बच्चा ऐसे ही रहने दे, क्यों बच्चा ही कुछ देख लेती हूँ मैं क्या। हाँ 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 सही है। okay. बलाज के भी तो कर्ली बाल है। हाँ, बलाज के इतने ही बड़े बाल थे। रियली? हाँ, ओह, लेकिन ये बलाज नहीं है, ये तुम्हारी ही बेटी है। ओके, बलाज ये जो मैं अभी कर रही हूँ, बलाज ने कभी ये हरकत नहीं की, ये हरकत सिला करती थी। ठीक है, हाँ ये देखो, ये एक मिनट मैं उस तरफ आती हूँ ताकि तुम देख सको ना। ये अच्छा है, ठीक है, ये हो गई, तुम देख सकती हो कि ये क्या है। ठीक है, दराज है ना, तो ये और ये ड्रेसिंग टेबल है। ओके, समझ गई तुम। हाँ ठीक है, अब ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जो चीजें रखी हैं वो मैं यहाँ बना रही हूँ, परफ्यूम और एक मिनट रुक जाओ, ये ज्यादा अच्छा जो है रेड। हाँ ओके, टॉडलर अराउंड द ड्रेसिंग टेबल, यस, एंड दैट इज अ लिपस्टिक, वेरी गुड निदा, वेरी गुड। बच्चे अम्मा का ड्रेसिंग टेबल बर्बाद कर देते हैं। अच्छा, वैसे थैंक गॉड अभी तक लाए ने मेरी कोई लिपस्टिक तोड़ी नहीं है। हाँ, अब तक नहीं तोड़ी है, लेकिन मेरी अम्मा की जरूर तोड़ी है। बच गई। ओके, अब नेक्स्ट सेगमेंट, हम मतलब लाइक इसी सेगमेंट का एक हिस्सा ये है। हाँ जी, कि मैं जो हूँ वो फनी फन में कुछ सवाल आते हैं। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, जो कि नीडो वन प्लस ग्रोइंग अप फॉर्मूला से रिलेटेड है। ठीक है, ये ओए अल्लाह, मुझे ये बहुत डर लगता है, मतलब सवाल नीचे गिरा है, हाय बुढ़ापे में झुकवा। ओके, मैं भी, मुझे अच्छी न्यूट्रिशंस मिली है तो मैं कर सकती हूँ, झुक सकती हूँ अभी। ओके, पहला सवाल, ट्रिपल एक्शन प्रोटेक्शन के तीन डिफेंस क्या हैं, जो कि अगर मैं कहूं कि प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स को सपोर्ट करते हैं। दो बता देती हूँ, तीसरा तुम बताओ। इम्यूनिटी एंड रेस्पिरेटरी, इम्यूनिटी रेस्पिरेटरी एंड गट। ओके, सही भाई, सही है भाई ये जवाब, अब बेटर आइडिया, इसको यू करते हैं ताकि हमें झुकना नहीं पड़े। बेटा झुकना तो ये रहा। अरे क्या तुम्हारा दिमाग चलता है इस तरह भाई। ओके, नीडो वन प्लस के नीडो वन प्लस ग्रोइंग अप फॉर्मूला की न्यू रेसिपी में क्या है। ऑप्शंस में तुम्हें दे रही हूँ, 100% लैक्टोज,
सवाल से पहले ही जवाब दे दिया भाई, सुक्रोज एंड 100% सुक्रोज एंड 100% लैक्टोज. ओके, सुक्रोज नहीं है ना, 100% लैक्टोज है, बिल्कुल सुक्रोज नहीं है. सुक्रोज होता है चीनी से बनी हुई चीज होती है ना. ये ओप्स, अब तो उधर गिर गई. अच्छा चलो मैं उठा लूँ. हाँ, ये बड़ा मुश्किल है हील्स के अंदर झुकना. बात झुकने की नहीं है, बात हील्स के अंदर झुकने की है. मतलब कि हम तो जिम में तो आपका है, मेरा सवाल है खोलने में आ जा रही. लेकिन ओके, इस सेंटेंस को कंप्लीट करें. ट्रिपल एक्शन प्रोटेक्शन फॉर नॉन स्टॉप एक्सप्लोरेशन. सही 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 भाई. ओके, अब लास्ट सवाल है. बर्थडे हो रही है. ओके, अभी भी सवाल रहता है. ऑल राइट. ओके, नीडो वन प्लस ग्रोइंग अप फॉर्मूला किस एज ग्रुप के टॉडलर्स के लिए है? सो यहाँ सब लोग देख रहे हैं नीडो वन प्लस ग्रोइंग अप फॉर्मूला के बॉक्सेस भी पड़े हुए हैं, लेकिन मैं चीटिंग नहीं कर रही, मैं सिर्फ तमाम देखने वालों को बता रही हूँ. 1 से 3 साल के बच्चों के लिए ग्रोइंग अप फॉर्मूला जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें 100% लैक्टोज है और सुक्रोज नहीं है, बिल्कुल लैक्टोज है. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. बच्चे जितना एक्सप्लोर करते हैं, माएँ उतनी ही फिक्रमंद हो जाती हैं और बच्चे उतना ही ग्रो करते हैं. इसलिए उनकी खुराक का ख्याल रखना माओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स को मीट करने के लिए. एक्चुअली नेस्ले नीडो वन प्लस ग्रोइंग अप फॉर्मूला हेल्प मदद कर सकता है. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. हाँ, अगर हम जैसे मैं तुम्हारी बात को ही रिपीट कर रही हूँ, जिसमें शामिल है प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, आयरन, जिंक और कुछ विटामिन ए एंड सी, और तो कुछ नहीं रह गया ना? नहीं, कुछ भी नहीं रह गया, आपने सब बता दिया. तमाम देखने वालों को एक बार फिर हम बताते चलते हैं कि नीडो वन प्लस ग्रोइंग अप फॉर्मूला आपके बच्चों की न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करने में मदद कर सकता है. बिल्कुल जबरदस्त. तो जनाब ये था हमारा आज का शो, छोटी सी हमारी मुलाकात थी. मुझे कभी नाया के बारे में, लाया के बारे में बहुत कुछ पूछ. कोई बात नहीं, अगली दफा आएंगे, अगली पूरे शो में बैठेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे. अगली किस. और तुम कितनी एज में उसने चलना सीखा है? मेरे ख्याल से वो टाइम से पहले ही चलने लगी थी, मुझे लग रहा है. इट वाज, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर व्हेन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अलाय ने अपने माइलस्टोन सही टाइम और हल्का से टाइम से पहले. और कुछ उसकी शरारतें तुम्हें याद है 1 से 3 साल तक की एज में जो उसने शरारतें की? बहुत प्यारी प्यारी शरारतें करती थी. माई लिपस्टिक नहीं खराब, मेरी लिपस्टिक थैंक गॉड, क्योंकि मेरी लिपस्टिक मेरी ड्रेसिंग टेबल पे होती नहीं है, वो नीचे वाले बाथरूम के ड्रॉअर में होती है, तो उसके हाथ में ही नहीं आई. तो अम्मी की लिपस्टिक, मेरी बहनों के कपड़े, जो कुछ भी मिला उस पर लिपस्टिक से पेंट की तरह वो लिपस्टिक को इस्तेमाल करती थी. किसी सॉकेट वगैरह में हाथ तो नहीं? अच्छा सॉकेट कोशिश करती थी, बट क्योंकि कसाम ने ऑलरेडी सारे सॉकेट के दरवाजे बंद कर चुके थे, तो वहाँ बिल्कुल भी हाथ नहीं डाला उसने. ग्रेट ग्रेट. तो जी ये था हमारा आज का शो. थैंक यू सो मच सनम, और फिर फोन पे तुमसे सारी बातें और करूँ. हाँ ठीक है, इतनी सारी बातें रह गई हमारी करना. तो जी ये था आज का शो, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल. अल्लाह हाफिज, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. सुबह जो